बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दीजिए वो हम 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 अगले वीक से जरूर से जरूर जरूर स्टार्ट करेंगे 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 पहले हम करेंगे? पहले क्या कवर सारे सारे के सारे चैप्टर्स को इन वन शॉट ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन योर दिसमेंगो बुक जिसका नाम है आपका लेसन राइट दिस इज फर्स्ट चैप्टर

ए, अगर आप आ, को मैं हिंट दूं तो ए से इसके राइटर का नाम है बहुत ही प्यारी ये स्टोरी है और आ, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर लर्न करने के लिए मिलती है

चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसको कि किस तरीके की स्टोरी है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पर बता दूं यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो फ्रांस का रहने वाला है उसका नाम फ्रांस है है ना वो स्कूल गोइंग बॉय तो से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बट सडनली उसे पता चलता है कि उसका जो जगह है उस पर किसी और की रूलिंग शुरू होने वाली है जर्मन की रूलिंग शुरू होने वाली है और फिर वहां पर जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी राइट फ्रांस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहने वाला फ्रेंच लैंग्वेज से दूर दूर तक नाता नहीं रहने वाला तो ऑल ऑफ द सडन उसको ये रियलाइजेशन होता है कि ओ oh, मैंने क्यों पहले कभी सीखी नहीं राइट right? अचानक से उसको अपने टीचर भी अच्छे लगने लगते हैं जो फ्रेंच पढ़ाते होते हैं राइट सो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से वैल्यूज की बात करी गई है और अपनी जो चीज होती है उसमें कितना ज्यादा इंसान को uh, क्या बोलते हैं कनेक्टेड रहना चाहिए या कितना उस चीज से अटैच रहना चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है राइट right? सो so, आपको पता चलेगा यहाँ पर दो पर्टिकुलर स्टेट्स uh, uh, की डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करी गई है जिसका नाम है दौरे. So, एक एक हम पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे आपको एक ओवर ऑल व्यू या फिर वन में मैं इसको देने वाली हूँ सो so, तीन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ स्प्रिंग एंड थर्ड वन इज माई मोदर राइट स्टार्टेड तो यहां से शुरुआत होती है द नरेशन ऑफ द स्टोरी इज बाय अ फ्रेंच बॉय ऑल्दो द राइटर ऑफ द स्टोरी इज से डॉटेड आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन आल्सो एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं सवाल भी पूछूंगी तो सवाल पूछूं तो आप लोग आंसर भी करिएगा तो ये कहानी अल्फोन से डॉटेड ने लिखी हुई है लेकिन जो नरेटर है इसके वो एक छोटा सा बच्चा है स्कूल गोइंग बॉय है एक फ्रेंच बॉय है, फ्रेंच बॉय है फ्रेंच बॉय मतलब एक लड़का जो कि फ्रांस का रहने वाला है उसका नाम क्या है फ्रांस द नेम ऑफ द बॉय इज फ्रांस ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है

हातिम टाइप की तो खेलना कूदना इनको बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन लेकिन पढ़ना लिखना इन्हें पसंद नहीं है सो सिमिलरली लाइक अदर बच्चाज आल्सो जैसे बच्चों को खेलना कूदना ज्यादा पसंद होता है रादर देन स्टडीिंग सो इसको भी खेलना कूदना पसंद है लेकिन पढ़ना पसंद नहीं है पढ़ने में इसको बहुत ज्यादा आलस आता है लेजिनेस आती है ठीक है और लेकिन लेकिन ये थोड़ा सा सेंसिटिव है वो तो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा थोड़ा सा इमोशनल टच है इसका कोई भी प्यार से बात कर ले या कुछ भी ऐसा पता चल जाए कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको दुख बहुत जल्दी हो जाता है राइट अच्छा ये अपने फ्रेंच के टीचर को जो फ्रांस के टीचर है जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उनसे नफरत करता है वो फ्रेंच टीचर का नाम क्या है एम हैमल ये बहुत स्ट्रिक्ट है नेचर की है ना ये पढ़ाते हैं लेकिन इतना बोरिंग पढ़ाते हैं क्या इतना स्ट्रिक्ट है इस वजह से इसको ये पसंद नहीं है राइट और इसको फ्रेंच पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता राइट right? सो so, अगर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और आपसे अगर फ्रांस के बारे में पूछ लिया जाए तो आप दो तीन चीजें याद रख लो क्या क्या चीजें याद रखोगे फ्रांस फ्रांस जो है वो एक स्कूल गोइंग बॉय है बॉय है ठीक है वो लेजी है ठीक है बट ही लव्स टू प्ले प्ले मोर राइट और ही हेट्स फ्रेंच फ्रेंच को ये हेट करता है फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच एज लैंग्वेज इसको ये नफरत है फ्रेंच दूसरा फ्रेंच लैंग्वेज इसे पसंद नहीं है और क्या पसंद नहीं है इसे एम हामिल पसंद नहीं है अब एम हामिल को आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा आप एम हामिल इज नो अदर दैन द फैंस टीचर है ना जो फ्रेंच पढ़ाते हैं ओके फाइन चलो आगे बढ़ते हैं ना अब आगे बढ़ती है और अब आगे पता चलता है कि आज का दिन बड़ा ही अजीब है जब फ्रांस स्कूल जा रहा है वो स्कूल लेट पहुंच रहा है तो उसे आज का दिन बड़ा ही दिखाई दे रहा है क्यों? डिस्ट्रिक्ट लोरिन इन फ्रांस फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां पर ये यह बहुत इंपॉर्टेंट है नेम द टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस दैट है या जर्मनी तो आप बताएंगे so, Lauren, दो डिस्ट्रिक्ट कब्जा हो गया है और अब फ्रांस, फ्रांस में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो फ्रेंच पीपल के हिसाब से हो सब कुछ जर्मन पीपल के हिसाब से होगा राइट सो बर्लिन से कुछ ऑर्डर आए हैं ऑर्डर क्या आए हैं दैट द जर्मन लैंग्वेजर देन द फ्रेंच शुड बी टॉट फ्रेंच शुड बी टॉट इन द देयर

Uh, भले ही टीचर के अंदर पढ़ाने की उतनी ज्यादा उत्साह नहीं थी लेकिन वो देशभक्त बहुत थे। अपने uh, जगह को प्यार बहुत करते और फिर आप यहां भी बाद में देखोगे कि वो बच्चे जो थे या जो जो बाद में जो लोग थे जब उन्हें ये पता चलने लगा कि आज से यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना आ गई सो so, इनके बारे में अगर एम हामिल के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे पर्सनैलिटी uh, uh, जो कि बहुत ही ज्यादा पैट्रीओ है right? so हो गया हो गया हो right? no. दोनों अगर आप लाइन्स uh, देखोगे तो दोनों में एक में फ्रांस के बारे में, में, में है और दूसरे में किसके बारे में अमहामल के बारे में आगे बढ़ते हैं ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नोस्टाइल ग्रीफ अब जब उनको पता चलता है कि अल्सास और लॉरिन में अब बर्लिन का ऑर्डर आया हुआ है कि यहाँ के जो भी स्कूल्स हैं वहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी तो वो नॉस्टैल्जिया फील करने लगते हैं नो व्हाट इज नॉस्टैल्जिया पास्ट मेमोरी में चले जाना पास की मीठी-मीठी यादों में खो जाना है ना और फिर वो ग्रीफ में भी है ग्रीफ मतलब ही इज इन दुख ही इज sad and in pain द विलेज मैन आल्सो अटेंड हैज लास्ट लेसन जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है इसका यहाँ पर मैं का वन दे रही हूं आपको। so, आपको पता चलेगा वो पढ़ने के लिए आए होते हैं बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठे हुए होते हैं उनकी क्लास में राइट सो लास्ट लेसन में जो विलेज के आदमी होते हैं वो भी अटेंड करने के लिए बैठे हुए होते हैं इनका लास्ट लेसन जस्ट टू गिव हिम ऑनर एंड कि उन्होंने अपने चालीस साल दिए स्कूल को

पेज केयरफुल अटेंशन एंड लर्न एवरीथिंग टॉट ऑन हिज लास्ट डे ठीक है अब वो दुखी है कि अम हामिल जा रहे हैं वो दुखी है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज कभी सीख नहीं पाएगा वो दुखी है कि बाकी लोग कितने ज़्यादा दुखी हैं वो दुखी है कि उसको आ, आ, किसी तरह की कि कोई साउंड नॉइज़ जो हमेशा सुनाई देती थी वो नहीं सुनाई दे रही है बच्चों के रिपीट करने की आवाज़ें बेंच के खुलने बंद होने की आवाज़ें और साथ साथ में अम हामिल के चट, चट 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 स्टिक को मारने की आवाज़ें कोई आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही है जबकि आज संडे नहीं है राइट सो ही वो सो सैड गॉड व्हाट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता लेकिन जो भी हम हम बता रहे होते हैं वो लास्ट बहुत ही ध्यान से सुन रहा चाहता है। लेकिन इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप किसी लैंग्वेज को एक दिन में सीख लो नॉट पॉसिबल राइट नाउ एट दिस इंस्टेंटली ही डेवलप्स लाइकिंग

फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की कोशिश नहीं करी उसने क्यों कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो कुछ पढ़ लेता ठीक है अच्छे से uh, सीख लेता लर्न कर लेता व्हाई व्हाई डिड ही डू सो बट इट्स ओके अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना अब तो नथिंग इज पॉसिबल टू बी डन राइट अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करके बताना चाहूंगी कि अगर आप देखेंगे लास्ट डे दे स्कूल पर एम हामेल ने अपने आपको किस तरह से ड्रेस किया हुआ था तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है राइट right? एग्जाम में तो उन्होंने ग्रीन कलर का एक कोट पहना हुआ था जिसमें उन्होंने शर्ट पहनी थी जिसमें फ्रिल्स थे ठीक है और उनके सर पर एक ब्लैक कलर की सिल्क की कैप थी और एम्ब्रॉयड थी पूरी राइट right? तो वो uh, ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था वो ओकेजनली ही उस ड्रेस को पहनते थे जब कोई uh, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता था या फिर कोई पीटीएम वगैरह होती थी तो सो फ्रांस दुखी है विलेज के सारे लोग दुखी हैं हैं दुखी कि के स्कूल में सडन अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्मे राइट ना फाइन आगे बढ़ते ऑल आर एट फॉल्ट अब एम बताते हैं देखो तुम लोग कितनी ज्यादा गलत हरकतें कर रहे हो इवन मैंने भी गलतियां करी सो so, कहते हैं तीन लोगों की गलतियां एक तो बच्चों की खुद की कि उन्होंने कभी अपना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिया दूसरा पेरेंट्स का कि पेरेंट्स ने कभी जरूरी नहीं समझा कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए द रीजन वॉज दैट कि पेरेंट्स को लगता था कि बच्चे जाकर के फैक्ट्री में काम करेंगे कमाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और तीसरा अम हामल खुद क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उनको पढ़ाना चाहिए था तो वो बच्चों को गार्डन में भेज देते थे और कुछ ना कुछ काम पे लगा देते थे कि ये कर लो राइट सो अमल कहते हैं अब देखो वो किसकी किसकी फॉल्ट बताइए उन्होंने यहाँ पर कहते हैं अम हमल एक्सप्लेन करते हैं दैट ऑल आर एट फॉल्ट

तो उनकी जो देशभक्ति की भावना है वो किस चीज में नजर आती है जब वो अपनी लैंग्वेज की बड़ाई करते हैं तब है ना सो so, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि एम हामल जो थे वो पेट्रियोटिज्म रखते थे तो आप बोल सकते हैं कि वो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने की और उसकी जो प्रशंसा करने की क्षमता है उनके अंदर और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है अगर आप इसको सीखने की कोशिश करोगे तो ये आ, हर उस ताले की चाबी है जो कि आपको बांध करके रखता है सो so, अगर आपको लिबरल फील करना है अपने देश में तो आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए राइट

अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना आप लोग सीखो इसको बचा करके रखो इसको सेव करो ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वन लैंग्वेज इज अ वे टू एस्केप द क्लचेस ऑफ द स्लेवरी अब देखो हमें लोग गुलाम बना करके रखेंगे क्योंकि हमने कभी अपनी लैंग्वेज को सीखा ही नहीं अगर आप चाहते हो कि आप गुलामी के चंगुल से बच पाओ तो आप अपनी लैंग्वेज को सीखो क्योंकि आपकी लैंग्वेज उस गुलामी के ताले की चाबी है

जो कंडीशन है उससे बता पाएंगे और एक बार जब हमने अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी तो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे राइट तो यहाँ पर वो सबको बताते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लैंग्वेज तब लोगों को समझ में भी आता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है ना फाइन एट दिस मोर दे रीजन फॉर देयर डिफीट इज इलिट्रेसी अब यहां पर लोगों को यह भी समझ में आता है कि उनकी जो हार हार है, है वो फ्रांस फ्रांस क्यों गया? कि कि उन्होंने कभी पढ़ने लिखने पर पर ध्यान नहीं दिया। को होता है कि बहुत ही मुश्किल है रिमूव uh, करना किसी की लैंग्वेज को एक पर्सन मतलब जो भी हमारी मदर टंग है अगर वो हमसे जुदा होती है तो हमको दर्द जरूर होता है दिस इज बिकॉज इट इज दैट इज नेचुरल टू पर्सन क्योंकि भाई सबको अपनी चीजों से प्यार होता है तो हमें अपनी मदर टंग से भी प्यार है अगर हमसे no और ये सच है कि आप अपनी चीजों से इतना प्यार करते हो इतना ज्यादा अटैच होते हो उनसे कि कोई कितना भी आपको उनसे दूर करने की कोशिश करे अगर आपके मन में उस चीज के लिए प्रेम है लव है अफेक्शन है तो आप कभी भी उससे दूर नहीं जाओगे और ये सारी चीजें किसको रियलाइज हो रही हैं ये सारी चीजें फ्रांस को रियलाइज हो रही है ही सेज दैट ओ आई एम सो सैड दैट द थिंग्स आर हैपनिंग विद अस बट आई कि हम सब लोगों को इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए फिर आ, वो लास्ट में जाते-जाते इवन -जाते, आपको पता है जो एम हैमेल थे वो लास्ट में लिख करके जाते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस तो इंग्लिश में आ, लॉन्ग लिव फ्रांस होता है लेकिन अगर आप उसको फ्रेंच में देखोगे तो वो होगा वाइव वाइव ला फ्रांस सो वी वी आई का मतलब है लॉन्ग और लॉ का मतलब है लिव फ्रांस तो फ्रांस झुकझुग जिये ऑल्दो वो हार चुका है मर चुका है वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी वो लिखते हैं कि जुगजुक जिये जियो फिर वो चले जाते हैं क्योंकि वो दुखी है इमोशनल है उनसे अपने इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे और जब उनको लास्ट टाइम पे दिखाया गया तो ऐसे दिखाया गया कि वो ऐसे दीवार से अटैच होते हैं वो सारी चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं उनको लगता है वो कभी नहीं दिख पाएंगे ऐसा

मैम क्वेश्चंस क्वेश्चंस अभी पूछ रही हूँ फटाफट -फट्ट पूछूंगी क्वेश्चंस यहां तक क्लियर है सभी लोगों को मैम हमने ये अपनी क्लास में रीड कर लिया है वाओ दैट्स रियली वेरी नाइस वन शॉट रिवीजन में आपको सिर्फ सिर्फ रिवीजन मिल रहा है ताकि आप रिवाइज कर पाओ पूछो क्वेश्चन पूछू चलो हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी के नरेटर कौन है नरेटर पूछ रही हूँ राइटर नहीं पूछ रही बताओ जल्दी से तो तो छत पर, कुरेद -कुरेद uh, पर आ रही होती है ऐसा लग रहा होता है की वो भी कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ने के लिए आए हुए मैं क्वेश्चन में कवर करवा दूंगी डोंट वरी वेरी गुड सो जारी का आंसर आ चुका है यहाँ पर मेरे पास अभिषेक का आंसर मेरे पास यहां पर आ चुका है फ्रांस अच्छा हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी स्टोरी के राइटर कौन है फ्रेंच बॉय फ्रांस वेरी गुड हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी राइटर कौन है स्टोरी का alfonsodot it very good acha what's wrong happening there in the uh, chapter kya aisa hua hai jo galat hai kuch galat hua hai na kuch ajeeb hua hai na so what what is that strange in the story the last lesson alfonsodot it french boy fans alfonsodot it ab spelling nahi sahi lik rahe hai. a l p h o n s e alfonsodot d a u d e t dot it What's wrong happened there in the story? What's wrong kya What's wrong story? Mein? Germans captured France, and there was an order which comes from Berlin that now, from today onwards, there will be no uh, French language which is to be taught. सो एम हेमल इज गोइंग है ना एंड द फ्रेंच पीपल आर गेटिंग अवे फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज या ऑर्डर आया है बर्लिन से अच्छा वट इज द नेम ऑफ फ्रांस टीचर एंड वॉट डिड ही टीच फ्रांस के टीचर का नाम क्या है वो क्या पढ़ाते हैं बताइए वेरी गुड ऑर्डर कम फ्रॉम जर्मनी दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट डॉट एनी मोर एनी मोर लिखेगा मोर मत लिखेगा खुश रहिए अंश हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग आफ्टर अ लॉन्ग डे अच्छा फाइन एम हामे फ्रेंच पढ़ाते एंड टुडे इज हिज लास्ट लेसन अच्छा इन इज लास्ट लेसन ही इज टीचिंग एमहामिल इन द लास्ट लेसन ऑफ हिज इज ही टीचिंग वो क्या पढ़ा रहे हैं पहले तो फ्रेंच पढ़ाते हैं एंड बाद में वो लोगों को ये समझाते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज है ना और फिर वो ये भी बताते हैं दैट दैट योर लैंग्वेज इज लाइक कि इट कैन जस्ट ओपन द लॉक ऑफ द स्लेवरी सब पढ़ाते हैं वो मैथ्स टीचर नहीं है बेटा फ्रेंच फ्रेंच इज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन है ना फ्रॉम द स्टोरी वाई फ्रांस इज सैड फ्रांस दुखी क्यों है आफ्टर रीचिंग द स्कूल Ah, he's at, at last he's te teaching that Do not forget your language Importance of our own language Very good Nisha Fine ye Bataye Bataye Answer bataye Important Important of language Importance of language Why 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 France was sad when he came to know that now from today onwards there will be no French language which is to be taught, so he was sad that he doesn't know even the F of the French language. He wanted to learn French language and suddenly he started liking M. Hamel. So he was sad that from today onwards he is no more uh, going to learn the French language. And that's why he's sad. And the another thing which is making him sad that uh, the sincere teacher M. Hamil is going. and he's not coming yeah lost loss lose नहीं लिखेंगे ठीक है ठीक है lost loss of his language okay अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ ले, लेती हूं पूछ लेती हूं फिर अगले चैप्टर की तरफ बढती हूं लास्ट बता दो एम हैमिल् ने लास्ट डे ऑफ स्कूल क्या पहना हुआ था और जनरली वो जो पहने थे उस दिन वो कब पहनते थे वैसी ड्रेस को

hi everyone welcome to welcome to adda school आप सभी लोगों का adda school पर बहुत 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 स्वागत है 1 सेकंड <coughs> hi everyone welcome to adda school आप सभी लोगों का adda school पर बहुत बहुत स्वागत है सो so बेसिकली हम लोग आज क्या करने वाले हैं वी गोना डू द वन शॉट रिवीजन ऑफ अ चैप्टर व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो जो कि क्लास 12th की है राइट right? तो इसका आज हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग सो so, आपको बता दी चलूं मैं ये फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने राइट right? और ये चैप्टर इतना ब्यूटीफुल है इतना खूबसूरत है आ, कि यहां पर आपको बताया गया है वो चीजें जो कि एक्चुअली में अनीस जंग की लाइव एक्सपीरियंस चीजें हैं अब वो क्या है आपको भी पता है कि जब हम लोग बाहर राइट right? निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं अलग अलग लोग दिखाई देते हैं राइट सो अनिसंग में ही जब आप बाहर निकलती हैं तो उन्हें भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जिसमें से वो सबसे ज्यादा जो नोटिस करती हैं वो नोटिस करती हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों को जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है दर इज नथिंग फॉर डैम फॉर फ्यूचर राइट सो यहां पर आपको एक कहानी सुनाई गई है जिसका नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग लॉस्ट का मतलब क्या होता है Lost का मतलब होता है खोना आपको बताती चलू मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं बहुत ध्यान से सुनना राइट right? चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया दस माइट बी द एग्जामिनेशन राइट right? बहुत बहुत अजीब है चैप्टर में बच्चों के बारे में बात करी गई है लेकिन चैप्टर का नाम रखा गया है खोना और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है स्प्रिंग इज है ना मल्टीपल सीजन होते हैं विंटर होता है समर होता है देन ऑटम होता है और उसके बाद होता है आपका कौन सा सीजन स्प्रिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं है ना हर जगह पे हरियाली छा जाती है राइट एवरीवेयर यू कैन सी द माहौल ऑफ ब्लॉसम द एनवायरमेंट ऑफ ब्लॉसम बहुत अच्छा लग रहा होता है सब कुछ जब फूल खिलते हैं तो चिड़िया भी आती हैं चहचहाती हैं हलचल दिखाई देती है राइट हाय मृतेन हाउ आर यू तो यहां पर आपको स्प्रिंग जो दिया गया है वर्ड इसका मतलब है बसंत ऋतु से राइट और इस बसंत ऋतु को कंपेयर किया गया है बच्चों से और बच्चों के बचपने से चाइल्डहुड से सो जो खूबसूरती है इस चैप्टर की वो यही है कि इसका नाम बड़ा प्यारा है राइट इसका नाम बड़ा प्यारा है उसका नाम रखा गया है स्प्रिंग जहां पर स्प्रिंग को पसोनीफाई किया गया है आप बोल सकते हो एक मेटाफर क्रिएट किया गया है दो अनलाइक चीजों को कंपेयर किया गया है कैसे मेटाफर क्रिएट किया गया है स्प्रिंग इज कंपेयर टू चाइल्डहुड जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है राइट right? और ये स्प्रिंग चाइल्डहुड को क्यों बोला गया है क्योंकि आपको यहां पर कुछ कुछ ऐसे बच्चों की कहानी सुनाई जाएगी जिनका बचपना कहीं खो गया है। जो वक्त से पहले बड़े हो गए हैं जिनकी लाइफ में बचपने जैसी कोई चीज ही नहीं है अब ये सोचो जब हम बड़े होते हैं तब हम जाते हैं नौकरी करने के लिए चाकरी करने के लिए जाते हैं ना लेकिन अगर हमारा बचपन खो जाए राइट तो क्या होता है हम बचपन से ही काम धंधे में लग जाते हैं नौकरी करना शुरू कर देते हैं नौकरी भी कैसी सड़क पे खड़े होकर के जूते पॉलिश कर रहे हैं

एक्सप्लेनेशन दिया अलग अलग तरह की कंडीशंस के बच्चों का तो यहाँ पर आपको दो कहानियां सुनाई गई हैं एक कहानी है एक लड़के की एक बच्चे की जिसका नाम है साहिब पूरा नाम है साहिब आलम और दूसरा बच्चा है यहाँ पर जिसका नाम है मुकेश राइट अब ये जो साहिब आलम है ही इज अ रैक पिकर रैक पिकर किसको बोलते हो आप रैक पिकर बोलते हो कूड़ा बिनने वाले को आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं बोरा लेकर के चलते हैं और बैग उनके हाथ में होता है और उसमें वो बॉटलें भर रहे होते हैं प्लास्टिक वेस्ट भर रहे होते हैं भरते हैं ना तो ये साहिब वही है अभी काम ही तो कर रहा है परफॉर्मिंग ड्यूटी ना ये कूड़ा भरता है और ले जाता है गार्बेज में से कूड़ा भरता है ले जाता है ठीक है और किसको दे देता है एक डीलर को दे देता है जो उस कचरे के साथ डील करता है फिर उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते होंगे या उसकी फैमिली को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते होंगे राइट right? तो ये एक रैक पिकर है कूड़ा बिनने वाला उसकी सिचुएशन इसकी दुर्दशा बहुत खराब है वहीं अगर हम बात करें मुकेश की तो मुकेश एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है वो फिरोजाबाद का रहने वाला है फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का धंधा बहुत फेमस है तो मुकेश भी अपने बाकी परिवार वालों की तरह चूड़ियां बनाता है लेकिन मुकेश बहुत ड्रीमी है वो सपने देखता है और उसे क्या सपना देखने का मन करता है या वो क्या सपना देखता है उसे मोटर मैकेनिक बनना है वो गाड़ी चलाना चाहता है उसकी आंखों में एक सपना है लेकिन अनीस जंग यहां पर बताती है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका बचपना कहीं खो गया है वो बच्चे क्या अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा ड्रीम कर पाएंगे या फिर वो उस ड्रीम को कभी अचीव कर पाएंगे तो बेसिकली इस चैप्टर के थ्रू उन्होंने हमें यही समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह की सिचुएशन में, में ये लोग रहते हैं और इनका फ्यूचर कितना ब्राइट होता है तो आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़िए वन शॉट रिवीजन में और आप मुझे बताइए क्या आपको कहीं ये फील हुआ कि दिस इज ट्रू कि इनका कहीं कहीं खो गया है या फिर कहीं आपको ऐसी फीलिंग आई कि लोग जिंदगी में आगे कुछ बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं राइट तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पहली कहानी शुरू होती है साहेब आलम से समाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज राइट इसका स्टेटमेंट है ये छोटे से बच्चे की कहानी गई है, जिसका मैंने आप को नाम बताया। छोटा और छोटे से बच्चे को नाम का मतलब ही नहीं पता सो स्टोरी हमसे क्या कह रही है लाइफ ऑफ पुअर रैकपिकर्स तो जो पहली कहानी है उसमें हमें किन लोगों के बारे में बताया गया है रैकपिकर्स के बारे में एंड आर रैक पिकर्स कूड़ा बिनने वाले कूड़ा बिनने वाले रैक का मतलब कूड़ा पिकर्स का, का मतलब उठाना उठाने वाले राइट द रैक पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका अब यहां पर हमें अनीश जंग बताती है कि आखिर ये बच्चे आए कहां से हैं ये लोग ढाका से आए एंड ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश और बहुत मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हो रहा था ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं को ही पड़ा था बांग्लादेशियों को बांग्लादेश और जितने बांग्लादेशी थे ना ज्यादातर ठीक है वो कहां करके बस गए थे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ठीक तो अभी एक और चीज याद रखना बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है ढाका तो ढाका टका ढाका टका ढाका टका याद रखना दैट इज द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ बांग्लादेश तो आपसे अगर पूछा जाए कि साहेब ये जो रैकपिकर है छोटा सा बच्चा ये कहां से आया है? तो आप बताओगे ये ढाका से आया है। अच्छा ढाका से आया है? मतलब किस जगह से आया बांग्लादेश से आया राइट फॉर द मोर वो हमें आगे बताती हैं द सेटलमेंट ऑफ द पिकर्स इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी फिर वो कहती हैं अच्छा ये ढाका से आ तो गया लेकिन ये ढाका से आकर के कहा बस अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो लोग जो बांग्लादेशी यहां पर आकर के बसे बसे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवीजन के बाद वो आउटस्कर्ट्स में बसे हैं दिल्ली के और दिल्ली का आउटस्कर्ट ही है कौन सीमापुरी

एंड होम डू टू कि क्या रीजन रहा ढाका से सीमा पूरी आने का? किसका साहेब का और साहेब की फैमिली का तो क्या रीजन हो सकता है वॉज द रीजन एक्चुअली एक भारी तबाही आई आंधी तूफान आया वहां पर पक्के मकान तो होते हैं नहीं है कच्चे मकान होते हैं। और कच्चे मकान की होने की वजह से कच्चा मकान उड़ गया बह गया डिस्ट्रॉय हो गया राइट right? दूसरी चीज क्या हुई उनकी फसलें भी बर्बाद हो गई और यही वजह थी कि आलम की पूरी फैमिली को आकर के कहा बसना पड़ गया सीमापुरी में दिल्ली के आउटस्कर्ट में ठीक? So, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वॉट इज द रीजन एक्चुअल थिंग दैट वाई साहेब आलम केम टू सीमापुरी और वाई साहेब आलम फैमिली केम टू स्टे सीमापुरी सो यू विल से डिस्ट्रक्शन इज द ओनली रीजन जो उसके फील्ड्स खेतों में आया और उसके घर को तबाह करके चला गया ठीक है और ये डिस्ट्रक्शन किस वजह से था Storms, आंधियों की वजह से बहुत आंधी आती थी प्लेन्स है ना वो इस वजह से बहुत बहुत आंधी आंधी आती आती है है आती है मैदान ठीक आई होप दिस मच पैराग्राफ इज पैल्पेबल टू एवरीबॉडी क्लियर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट देखें <coughs> अब क्या हो रहा है आगे क्या बता रही है हमको जंग They had come to the big city in the hope of finding living there. अब भाई आप एक बात बताए इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका मेन पर्पज क्या होता है वो हैंड टू माउथ की जिंदगी बिताना चाहता है

सीमापुरी आने की दो वजहें बताइए तो ढाका से सीमापुरी आने की दो वजहें कौन कौन सी हैं? पहली डिस्ट्रक्शन जो कि उनके फील्ड और उनके घरों में हुआ आंधी तूफान की वजह से दूसरा फॉर सर्वाइवल इनको अपनी जिंदगी जीनी थी काटनी थी भाई जिंदगी जीना था जीना था इस वजह से ये आ गए नाउ हाउ एवर द रियलिटी वॉज इनफैक्ट पेनफुल फॉर देम एंड हैड टू फेस मेनी हार्डशिप अब इनको लगा था इतनी बड़ी सिटी में आ रहे हैं तो खाने का पीने का रहने का कोई टेंशन नहीं होगा बट ये तो इन लोगों को पता नहीं था इनको तो पता नहीं था ना कि जिंदगी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जितना बड़ा शहर उतना बड़ा स्ट्रगल तो जब ये दिल्ली में आए तो उन्होंने बहुत हार्डशिप झेली बहुत परेशानियां झेली और उसी हार्डशिप का नतीजा है ये यह रैकपिकिंग कूड़ा बिनना सड़क पे टहलना और वहां से कूड़े को उठाना राइट सो दिस रियालिटी वॉज नॉट ऑल मेकिंग देम सो हैपी दिस रियालिटी वॉज टू मच पेनफुल एंड उनको बहुत सारी परेशानियां हार्डशिप मतलब बहुत सारी सफरिंग्स झेलनी पड़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी

खाने के लिए खाना नहीं है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है अच्छा रहने के लिए घर नहीं है सर छुपाने के लिए कोई आश्रय नहीं है सो दे आर रियली वेरी पुअर दे आर लिविंग इन डेस्टिट्यूट गरीबी को और क्या बोल सकते हो डेस्टिट्यूट दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेस राइट सो अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द पीपल हु आर लिविंग इन Uh, सीमापुरी या फिर मैं आपसे इस तरीके से हार्डशिप दे आर लैकिंग वेरी पुअर दे आर लिविंग इन डेस्टिट्यूट क्लियर समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे अब आगे देखे अब यानी इस जंग हमें बता रही है क्योंकि उन्होंने क्लोजली वॉच किया इन लोगों को हाय पंकज हाय विजय हाय डियर एवरीबॉडी Okay, now let's move ahead. The writer watches Sahib every morning as he scrounges. Scrounges का मतलब क्या होता है? ऐसे 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 करके आप जब कुछ ढूंढते हो, कभी अपनी कबड़, अपनी क्लोजेट को खोलना. अगर आप एक अच्छे मैनेजर नहीं हो और एक अच्छे ऑर्गेनाइजर नहीं हो तो आपके कबर्ड में हमेशा कपड़े ठुसे हुए पड़े होंगे जैसे आपने खूब सारी स्टफिंग कर दी और जैसे ही आप कबर्ड का दरवाजा खोलोगे सारा कपड़ा आपके मुंह पर आकर गिरेगा राइट right? सो so, जैसे कपड़े के ढेर में से आप अपना अच्छा वाला कपड़ा ढूंढते हो जो आपको पहनना होता है वैसे ही साहिब आलम क्या करता है कूड़े के ढेर में से जो पाइल इकट्ठा हुआ है गार्बेज का उसमें से वो क्या ढूंढता है अपने काम की चीज उसके काम की चीज क्या हो सकती है पैसा राइट right? सो so, जो राइटर है वो क्या कहती है उन्हें कैसे पता चला पिकर्स के बारे में क्योंकि जब भी भी वो सुबह अपने घर से निकलती थी तो वो तो वो सुबह सुबह किसको देखती थी एक पिकर को देखती थी जो कि हमेशा स्क्राउंज करते रहता था ठीक है किस चीज के लिए स्क्राउंज करता था फॉर गोल्ड अब ये गोल्ड क्या है वॉट इज गोल्ड फॉर साहिब दैट वन रुपी और टेन रुपी कॉइन वन रुपी वन रुपी कॉइन वुड बी बेटर वन और टू रुपी कॉइन यू कैन से और कहा ढूंढता था उनके पड़ोस में द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस पिकर्स इज द गार्बेज अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करना इनकी जिंदगी ही कूड़ा बिनना है ये अपनी जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ये कूड़ा ना बिने तो सो so, बिना बिना कूड़ा ये अपनी जिंदगी का सर्वाइवल ढूंढ नहीं सकते सो so, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज पर्टिकुलर पिकर्स तो आप बोलेंगे कि मैम ओनली द मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर देम इज टू डू पिकिंग राइट और टू सर्च फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज फॉर द मोर

या बच्चा चाइल्ड और दूसरा है बड़े पेरेंट एल्डर तो बड़ों के लिए दिस इज मीन ऑफ सर्वाइवल जो बड़े लोग हैं उनके लिए जिंदगी जीने का सहारा है क्योंकि इसी को बेच बेच करके वो लोग पैसा कमाते हैं और बच्चों के लिए क्या है इट इज फुल ऑफ इनके लिए यहां पर नई नई चीजें हैं नई नई चीजें हैं जो इनको यहां से मिलती हैं ठीक है थीके? तो इनके लिए बड़ी अमेजिंग होती है ये इनके लिए एक गेम टाइप का होता है ये उस कूड़े के ढेर में से अपने लिए एक गोल्ड निकालना वो गोल्ड क्या है एक रुपए या दो रुपए का सिक्का ठीक है so, सो बच्चों के लिए दिस इज अ अंडो एंड फॉर पेरेंट्स दिस इज नथिंग एल्स बट ऑफ सर्वाइवल गॉट इट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एंड इट विल डेफिनेटली कम आगे बढ़ते हैं नाउ यहां पे, क्या मतलब है गोल्ड कॉइन का तो आप या गोल्ड का क्या मतलब है तो आप बोलेंगे अ कॉइन और टू फ्रॉम इट फ्रॉम वेयर फ्रॉम द गार्बेज These people have ambitions. ऐसा नहीं है कि इन के मन में सपने नहीं है ये लोग जिंदगी जीना नहीं चाहते कुछ बेहतर करना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं चाहते बट दे आरबल टू वो नहीं कर सकते इनके पास भी एम्बिश हैं डिजायर हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है उन्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे पॉसिबल होंगी भाई सपने कौन नहीं देखता एवरीबडी लुक फॉर द ड्रीम्स एवरीबडी आपको सपने आते, आते हैं कि नहीं आते कि मैं इतने बड़े माहौल में रह रहा हूं मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहा हूँ वी हैव ड्रीम्स ये एग्जाम क्लियर करना है बट वी आर टू फुलफिल क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता हमें ट्वेल्थ में टॉप करना है लेकिन ट्वेल्थ में टॉप कैसे करें इसके लिए मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है टीचर्स के लिए बट फॉर देम देर इज नो वन इनके लिए कोई भी नहीं है आगे हैं नेक्स्ट देखे नाउ दे आर क्वाइट दैट दे आर अनएबल टू रीच बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्वाइट का मतलब होता है ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बहुत सारी ऐसी चीजें ये जहां तक पहुंच ही नहीं पाते है ना ये रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खाते राइट right? ये पिक्चर हॉल में बैठ करके सिनेमा नहीं देखते ये मॉल में जाकर के कपड़े नहीं खरीदते इनके लिए ही आउट ऑफ दियर रीच है लेटर जॉइंस अ टी लेकिन बाद में स्टोरी में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में इंसान के इंप्रूवमेंट नहीं आता बस कुछ लोगों की जिंदगी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है लेकिन कुछ लोग बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ रहे होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बढ़ रहे होते हैं तो साहिब की जिंदगी में भी बदलाव आया अभी वो क्या था रैक पिकर था लेकिन अब रैक पिकर से वो क्या बन गया है छोटू एक टी स्टॉल पे काम करने वाला बंदा तो नाउ ही वर्क्स ऑन टी स्टॉल लेकिन क्या वो खुश है टी स्टॉल पे काम करके तो अनीस जंग कंपेयर करिए उसकी दोनों लाइफ को कि वो पिकर बन के खुश था या वो टी स्टॉल पे काम करके खुश था उसको जॉब मिल करके वो खुश था तो यहां पे बोला जा रहा है पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू अर्न एट हंड्रेड रुपीज जब साहिबे आलम टी स्टॉल पे काम करता है तो उसको महीने के 800 रुपए मिल जाते हैं और साथ में उसे खाना भी मिल जाता है खाने के लिए लेकिन क्या वो खुश है इज ही हैप्पी गेटिंग ऑल द मील्स गेटिंग 800 रुपए अ मंथ इज ही हैप्पी क्या वो खुश है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है कितना भरोसा है आपको क्या पॉसिबिलिटी है कि साहिबे आलम खुश होगा Yes और नो कमेंट सेक्शन में बताइए However, this दिस जॉब deprived हिम ऑफ his फ्रीडम अब इससे क्या समझ में आता है कि ये जॉब इसके फ्रीडम को इससे छीन रही है और जो चीज हमारी आजादी को छीन ले हमें वो चीज पसंद नहीं आती तो so, क्या साहेब आलम खुश है नो no. साहेब आलम इज नॉट ऑल हैप्पी क्योंकि उसके पास खुशी का कोई जरिया नहीं है ही नथिंग लाइक जिससे उसको खुशी मिले उसको ये बर्डन लगता है, बंदिश लगती है क्यों क्योंकि उसका एक मास्टर है वो उससे टोकता है, अगर उससे है, तो उससे है, अगर कोई बर्तन टूट जाता तो उसे डांटता है अगर किसी को चाय नहीं पहुंचाता तो भी उसको डांट पड़ती है और अगर वो सही समय पर सही काम नहीं करता तो हो सकता उसके पैसे भी कटें तो अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा जैसे वो पहले रहा करता था जब वो रैकपीकर था वो कूड़ा बिनता था अपनी मर्जी से जो उठाना होता था उठाता था जो पाना होता था पाता था उसका इवन बैग भी हल्का था लेकिन अब जो वो कंटेनर लेके घूमता है वो कंटेनर महंगा है वो खुश भी नहीं है क्योंकि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता उसे मालिक की सुननी पड़ती है एज सच देर कंडीशन होपलेस एंड फुल ऑफ मिसरी अब उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे अब वो होपलेस हो गया है नाउमीद और उसकी जिंदगी मिजरी से भरी हुई है क्यों क्योंकि अब उसको डांट मार या कभी कभी उसके पैसे भी लोग ले लेते हैं वो लोग कौन है वो लोग हैं एक्चुअली में टी स्टॉल में काम करने वाले राइट सो आई होप दिस मच इज पोस्पिक टू एवरी वन अब आप पूछोगे मैम पॉसिफिक का क्या मतलब होता है तो आई विल टेल यू पॉसिफिक का मतलब होता है क्लियर अंडरस्टूड समझ में आ गया तो पोस्पिक बोलोगे क्लियर uh, है तो भी आप पर्सिपिकूअर्स बोलोगे दिस इज द बेस्ट वर्ड लर्न न्यू वी कैफ दी इट वुड हेल्प यू हाँ ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि साहेब आलम का मतलब क्या है तो आपको याद रखना है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स अच्छा अनिश जंग इस बात को जानने के बाद इतनी ज्यादा हैरान क्यों है कि उसका नाम साहेब आलम है क्योंकि अनिल जंग को ऐसा लगता है कि शायद इस बच्चे को इस नाम का मतलब नहीं पता एंड वंस ही गेट टू नो द मीनिंग ऑफ इज नेम वो कभी भी ये छोटे मोटे काम नहीं करेगा यूनिवर्स का लॉर्ड जिसकी पूरे ब्रह्मांड पे चलती हो वो क्या छोटे मोटे काम करेगा उसको तो शर्म आएगी एम्बेरसमेंट होगा कि आखिर कैसे वो ये काम करे राइट right? तो साहिबी आलम नाम सुन करके जंग बहुत ही हैरान है कि ये बच्चा कैसे झेल पाएगा जब इसे ये पता चलेगा कि इसके नाम का मतलब क्या है सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी नाउ ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जिसमें अनीस जंग ने रात रागपिकर की कहानी सुनाई और उन्होंने उसकी दो सिचुएशन को कंपेयर किया जिसमें पहले भी वो गरीबी में जी रहा था और दोबारा भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई थी बट वो गरीबी में जी रहा था और बोलते हैं ना कि जब आप जिंदगी में कुछ पाते हो तो आपको कुछ खोना पड़ता है तो यहाँ पर जो साहिब आलम है उसने अपनी जिंदगी में पाया तो अचीवमेंट उसको महीने के आठ रुपए तो मिल जाते हैं पेट भरने के लिए खाना तो मिल जाता है लेकिन उसने अपनी आज़ादी को खो दिया है है ना तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि साहिब आलम राइट टू गेट the जॉब इन टी स्टॉल तो उसने क्या कॉस्ट पे करी है उसने अपना फ्रीडम सेक्रीफाइस कर दिया एंड इज नॉट हैप्पी नहीं खुश नहीं है वो आगे देखो सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर अब सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं जहां पे हमें मुकेश की कहानी सुनाई जाएगी मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर का बच्चा है वो भी बैंगल मेकिंग करता है और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं और वो सपने भी देखता है मोटर मैकेनिक बनने का सपना तो सेकेंड जिंदगी में मुकेश के बारे में बताया जा रहा है जो एक लड़का ही है और वो बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है अच्छा ये सारे बैंक आपको बता दूं जैसे आपने सुना होगा ना इज द हब फॉर दिपरेशन ऑफ नीट एंड जे एग्जामिनेशन कोटा जाते हैं लोग पढ़ने के लिए वैसे ही फरीदा सॉरी फिरोजाबाद जो जगह है है आपकी दिस इज अ प्लेस जहां पर बैंगल मेकिंग का हब है. हर कोने में हर घर में आप चूड़ी के स्टॉल देख सकते हो वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाने और बेचने पे डिपेंडेंट रहते हैं सो so, अगर आपको सबसे ज्यादा इंडिया के किसी कोने में चूड़ियां मिल सकती हैं तो वो फिरोजाबाद में मिल सकती है दिस इज हब ऑफ बैंगल मेकिंग ओके डन, आगे बढ़ो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिसमें ग्लास ब्लो किया जाता है ग्लास ब्लो का मतलब क्या है कांच जला करके चूड़ी बनाई जाती है ठीक सो so, फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है

यहां पर अगर आप फिरोजाबाद में देखोगे तो ज्यादातर बच्चे आपको बैंगल मेकिंग करते हुए दिखाई देंगे और लगभग लगभग बीस हजार बच्चे के आसपास बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है जो कि ये क्राइम है दिस इज इलीगल बच्चों से बोलते हैं ना बाल लेबर जो चाइल्ड लेबर होता है दिस इज इन इंडिया राइट तो ये इीगल है बच्चों से काम करवाना गलत है बट स्टिल इन इंडिया इट इज हैपनिंग राइट और कहा हो रहा है फिरोजाबाद में कितने बच्चे काम कर रहे हैं बीस हजार बच्चे क्या कर रहे हैं चूड़ियां बना रहे हैं राइट right? आगे देखें अब जंग को पता चल रहा रहा है ना सोचो ने कितना धक्का लग होगा एक सा बच्चा चूड़ियां बना रहा है भट्टियों में जाकर के आग के सामने बैठ रहा है क्या होगा उसका क्या होगा उसके फ्यूचर का हर एक फिरोजाबाद में जो भी बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है वो बच्चा अंधा होने वाला है आने वाले टाइम पर आइए हर्ट नहीं कर रहा अनीस जंग को जो कि एक राइटर हैं और जो कि फील कर पा रही हैं इंसानों की प्रॉब्लम्स आइए देखते हैं फर्दरमोर नो वन ओवर देयर अंडरस्टैंड्स और रिस्पेक्ट द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर लेकिन उनको उससे ज्यादा हैरानी इस बात पे हो रही है कि किसी को पता ही नहीं है कि सरकार ने क्या नियम और कानून बनाए हुए हैं चाइल्ड लेबर गुना है इलीगल है बैड है क्राइम है और कोई लॉ की नियम की कानून की रिस्पेक्ट ही नहीं करता ऑन दिस हाउ इज इट पॉसिबल दैट पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल द नॉट कंप्लाइंग द रूल कंप्लाई का मतलब भी फॉलो करना होता है राइट मोर ओवर द लिविंग कंडीशन एज वेल एज द वर्किंग एनवायरमेंट आर बोथ हॉर्डस या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हजार्डस Hazardous का मतलब है बहुत खतरनाक जानलेवा ये बच्चों की आंखों पे इफेक्ट करता है बच्चों की जिंदगी इफेक्ट करता है आप बताओ क्या लोग कभी एक ऐसे इंसान को अपनी बेटी देना चाहेंगे जो देख नहीं सकता क्या फ्यूचर है उसका जो दुनिया नहीं देख सकता राइट अगर इंसान बाइबोर्ड धंधा होता है तो भगवान जी उसको सेंसेस दे देते हैं ऊपर वाले उसको सेंसेस दे देते हैं अल्लाह अल्लामिया उसको सेंसेस दे देते हैं लेकिन जो बड़े होते होते अंधा हुआ उसको भगवान जी सेंसेज नहीं देते तो उसको डेवलप करना पड़ता है कितनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ होगी उसकी सोचो कि वो देखती हुई दुनिया को देख नहीं पाएगा कभी तो ये बच्चों की लाइफ को खतरा होता है इनकी आईज को खतरा होता है और ये बड़े होते होते क्या हो जाते हैं दे गॉट ब्लाइंड कितनी जानलेवा एक्टिविटी में ये लोग इन्वॉल्व हैं सोचो आप जो ग्लास का बुरादा होता है वो कितना खराब होता है आगे देखो दो चिल्ड्रेन लिव इन ड्री सेल्स ड्री मतलब एकदम ऐसे एकदम सेल्स छोटे छोटे से छुट्टी छोटे से, से एकदम क्या बोल सकते हुँ? उसको कैदखाने टाइप के हैं उसमें ही काम करते डेंजरस ऑल्सो दे वर्क क्लोज टू हॉट फर्निस और इनको कहा काम करना पड़ता है भट्टियों में गर्म गर्म भट्टियों में तो छोटी छोटी कॉम्पैक्ट सेल्स में लोग गरम गरम भट्टियों में काम करते हैं दिस इज सर्टेनली वेरी डेंजरस एज इट मेक्स ब्लाइंड दे एंटर सटनलीड बोल रही है अब ये जो है ना ये जानलेवा है जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो यही इनकी जिंदगी पर हावी होती है ये अंधे हो जाते हैं इनकी जिंदगी का को कोई ठिकाना नहीं होता और बड़े होते होते ये अपना फ्यूचर खो देते हैं ट इज एक्चुअली डेंजरस फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि बैंगल मेकिंग में काम कर रहे हैं आप बताएंगे कि ये जो, सेल्स है, ये जो सेल्स है जहां पर ये काम करते हैं है। जो बिल्कुल, है, बिल्कुल बोरिंग है तो ड्री का एक मतलब आप ये भी लिख सकते हो समथिंग विच इज नॉट अट्रैक्टिव विच इज बोरिंग बकवास एकदम और विच इज टू कॉम्पैक्ट जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें ये काम करें और यही इनके बचपने को बर्बाद कर रहा है

हैं, उनको ये चीजें करनी पड़नी है अब बाप दादा का कर्जा ये लोग अभी भी चुका रहे हैं, तो ये लोग में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये इस कर्जे में इस तरह से उलझे हुए हैं कि ये इससे बाहर ही नहीं निकल पाते इसके सोल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाते आखिर ये इन कर्जों से बाहर कैसे निकले कैसे सोचेंगे जब इनके दिमाग में ही वही भरा गया है कि तुम्हें अपने बाप दादाओं का कर्जा चुकाना वे फॉर ना? ये दरिद्रों का एक जाल है जिसमें इन लोगों को फंसा दिया गया है. और वो दरिद्र कौन है वो पुलिस वाले भी हो सकते हैं जो रिश्वतखोरी करते हैं वो बिचौलिए भी हो सकते हैं जो खेल रहे हैं इनके साथ वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं जो खेल रहे हैं इनके साथ तो ये लोग ट्रैप हो चुके हैं और इसमें से बाहर नहीं निकल सकते और यही वजह है कि दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर फ्यूचर एनी मोर नाउ अब देखो मेकअर सर्कल में कौन कौन आता है पुलिसमैन ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं जो बाबू लोग होते हैं जो सरकारी काम में इन्वॉल्व होते हैं मिडलमैन जो बिचौलिय और सारे के सारे पॉलिटिशियंस विद ऑल हिंडर हिंडर का मतलब होता है रोक लगाना ऑब्स्ट्रक्शन रोक यही लोग इनकी रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं द वे ऑफ प्रोग्रेस ये अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे आप सोचो अपने आप में चूड़ी बनाना भी एक बहुत ही फ्लरिशिंग धंधा है लेकिन ये चूड़ी बनाने वाले अपनी जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ये कर्ज ही नहीं चुका पा रहे अपने पूरे तो बंधे हैं बंधे हैं बंधे हैं उसी में ही आगे 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 पता नहीं कितना इन लोग को अभी और झेलना है

एज ए रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग देशन और ये जो सोच उनके दिमाग में भरी जा रही है जो उनके पूर्वज भर रहे हैं बड़े भर रहे हैं यही सोच उनके बच्चों में आ रही है और यही वजह यही वजह है कि आज भी वो कर्जों में डूबे हुए हैं और आज भी वो उसी रीति को उसी ढर्रे को अपना रहे हैं कि बाप दादाओं का कर्जा उन्हें चुकाना है और वो जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकते दे आर नॉट डू एनी थिंग देर इज समिट अबाउट मुकेश लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है अनिस जंग खुश है इस बात से मुकेश ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि वो सपने देखता है वो उस विशिष्ट सर्कल में ट्रैप नहीं है उसके सपनों पे कोई रोकथाम नहीं लगा सकता क्यों क्योंकि वो सपने देख रहा है उसका एक सपना है ही इज ड्रीमिंग ही वांट्स टू बिकम समथिंग एंड व्हाट ही वांट्स टू बिकम क्या बनना चाहता है वो मोटर मैकेनिक ये सपना उसके अंदर आया कहां से अनिस जंग इज हैप्पी उनका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि चलो इतनी बुरी परिस्थिति में छोटा सा बच्चा सपना तो देख पा रहा है जहां पे लोग अपने विश्व सोकल में बंधे हुए हैं ये बच्चा सपना तो देख रहा है ना इज नॉट लाइक ऑफ folk का मतलब क्या है पीपल तो कह हैं वो बाकी लोगों की तरह नहीं है अनिश जंग कहते हैं मुकेश बढ़िया है वो सपने देखता है उसे कुछ अलग करना है कुछ डिफरेंट करना है क्या करना है देखते हैं मैंने वैसे बताया आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके कर बता सकते हो कि मुकेश क्या करना चाहता है व्हाट मुकेश वोना बेकअप कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ हाई बादल हाउ यू वाउ टेक टेको हाई डियर हाई

तो सपनों को पूरा करने से पहले जरूरी है कि आप सपनों को देखें और मुकेश वो काम कर रहा है ही मोटर मैकेनिक वो फ्यूचर में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है चूड़ी वाला नहीं द गैरेज इज फार अवे लिव्स जिस गैरेज में वो ये काम सीख रहा है वो उसके घर से बहुत दूर है बहुत दूर बट ही determination टू वर्क डिटर्मिनेशन मतलब उसने ये संकल्प लिया हुआ है उसने ये दृढ़ निश्चय किया हुआ है, उसने ये ठाना हुआ है कि वो जाएगा वहां पर पैदल चल करके और फिर वापस आएगा लेकिन वो सीखेगा वो मोटर मैकेनिक चाकर के सीखेगा बनना उसे सब कुछ सीखना है क्योंकि वो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता उसे कुछ अलग करना है डिफरेंट उसकी चाह है उसका ड्रीम है उसका सपना है Will do, क्योंकि उसके है, कुछ और देखा होता उसने लोगों को पढ़ाते हुए देखा होता तो हो सकता है वो टीचर बनने का सपना देखता उसने कभी प्लेन उड़ते हुए देखे होते तो हो सकता है कि वो पायलट बनना चाहता राइट ना लगेट दिस स्प्रिंग अब देखो यहां पर समझ रहे हो ना दो अलग अलग बच्चे और दोनों की अलग अलग परिस्थितियां बताई गई हैं एक बच्चे ने कोई सपना नहीं देखा और जब सपना नहीं देखा तो वो किसी चीज में इन्वॉल्व हुआ तो उसे बर्डन लग रहा है वहीं दूसरा बच्चा है जो अपने सपने देख रहा है और उनको पूरा करने के लिए उसने प्लेजेस लिए हुए हैं डिटर्मिनेशन किया हुआ है तो स्प्रिंग की होल समरी हमें क्या डिफाइन करती है हमें ये बताती है कि कितनी बुरी दशा है बच्चों की जो कि गरीबी में जी रहे हैं Right, so this is a summary which gives the analysis of the impoverished, matlab they are living in a very bad circumstances, but very bad they Condition faced by many children that condemn them, टू अफ पेन ऑफ्रेशन एंड लैक ऑफ एडुकेशन तो जिस सिचुएशन में जिस क्या करना पड़ता है दर्द से गुजरना पड़ता है पढ़ाई लिखाई नहीं है इनके पास इनको दबाया जाता है कुचला जाता है जो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इनको ओपरेस करते हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं चाहे डायरेक्टली चाहे इंडली Right. So if you ask what are the circumstances that are bad and that are faced by the so many children who are uh, actually very poor. So you will actually they are suffering from a lot of pain, oppression and the lack of education because they don't have freedom in their lives to do anything. And they do not have anyone as a guide who can help वेलकम टू अड्डा स्कूल आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल पर बहुत 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 स्वागत है राइट right? सो so, जैसे कि आप लोग uh...

दिस इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी समझते हो आप लोग ऑटोबायोग्राफी बोले तो uh, आत्मकथा है ना सो so, ये जो स्टोरी है डीप वाटर ये विलियम डगलिस की आत्मकथा है है ना विलियम डगलिस का अगर आपसे कोई पूरा नाम पूछे तो क्या बताओगे विलियम ऑरवेल

तभी भी उनकी हालत बहुत ही खस्ता थी बहुत ही बेकार थी उनकी हालत बहुत ही बुरी थी विलियम डगलस बेचारे करे तो क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनके अंदर तब पानी का डर और ज्यादा भर चुका था एवर्जन और ज्यादा भर गया था क्योंकि वो मरते मरते बचे थे फिर उसके बाद उन्होंने बड़े होकर के अपने पानी के डर को दूर किया और वो इस पूरी स्टोरी में हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मौत जब आती है तो बहुत डर लगता है घबराहट होती है तो ये सब झूठ है मरना से इंसान को तभी तक डर देता है जब तक वो अपनी सोच में मसाया हुए है कि अरे वो मर जाएगा वो मर जाएगा वो मर जाएगा मौत के बाद बहुत शांति होती है बहुत सुकून होता है क्योंकि आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है आपको आसपास की कोई चीज समझ नहीं आती एंड यू आर कंप्लीटली इन रिलैक्सेशन समझ में आ रहा है ना राइट सो आइए बढ़ते हैं खूबसूरत सी स्टोरी को बीच बीच में मैं, मैं, एक बार कंप्लीट कर दूंगी तो फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी सो so, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए सभी लोग रेडी फॉर दिस और नॉट जल्दी से बताइए ओके 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 फाइन फाइन डोंट स्पैम यश बैकलॉग एक ही बैकलॉग हुआ है बेटा एक ही एक ही सेशन मैंने अभी पिछला लिया है कल ही से हमारी सीरीज शुरू हुई है वाली ओके okay?

वॉटर विच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया तो वो पानी के डर से सफर करें है ना सो so, यहाँ पर आपको राइटर की कहानी बताई गई है उनकी जर्नी बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पानी के डर को खत्म किया विच इज डी रूटेड इन चाइल्डहुड जो कि उनके अंदर बचपन से कूट कूट करके भरा हुआ था कि पानी में अगर मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा पानी में अगर मैं जाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा पानी में अगर मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा द ऑथर स्टार्टेड फ्योरिंग वाटर एज ऑफ फोर ऑथर को कब से डर लगता है से बचपन में कौन सी उम्र से तो जब वो चार साल के थे, when he was just four years old. है ना? So, उनका पानी का डर कौन सी से से। शुरू हुआ? साल की उम्र से. तो ये याद रखिएगा, ये कब से शुरू हुआ जब वो कैलिफोर्निया पे गए किसके साथ गए अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर ये पहुंचे थे अपने पापा के साथ राइट ही अचानक से लहर आई और लहर ने उनको धक्का मारा जोर से और ये गिर गया अब बच्चे तो पता है आपको कितने हल्के फुल्के नाजुक से होते हैं उनको अगर पानी हल्का सा भी ढके लेगा वो तो हो जाते हैं राइट right? सो so, इनकी भी यही हालत थी और पानी ने इनको ऐसे करके डुबो दिया और वो स्वीप करके ले जा रहा था बट इनके पापा ने इनको पकड़ लिया था एंड ही वॉज लाइक चलो ठीक है जान में जाना ही मेरे पापा तो यहाँ पर थे और पापा खूब जोर जोर से हंसते कि अरे तुम इतने से पानी से डर गए और वो कहते अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं पापा मुझे तो सच में डर लगता है तब इन्हें पहली बार पता चला था कि ही सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया विच इज द फियर ऑफ वाटर सो यहाँ से आपको कौन कौन से पॉइंट हो गए ऑथर को हाइड्रोफोबिया है हाइड्रोफोबिया उनको कौन सी उम्र से है चार साल की उम्र से है क्यों हो गया क्योंकि वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर अपने पापा के साथ गए थे जहां पर उनको एक बड़ी सी

द uh, ऑथर अब जब ऑथर बेचारे uh, समुद्र की लहरों में डूबने लगे तो वो डर गए है ना ऑल द फादर लाव्स एट द नोइंग इट वॉज नो डेंजर लेकिन इनके पापा जो थे वो हंस रहे थे क्योंकि उनको पता था अरे कोई खतरे की बात ही नहीं। इतनी सी वेवी है, कोई मार सकती है क्या, किसी को। तो पापा हस रहे थे, लेकिन ये हुए थे ऑथर तो hey अब, 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 के अंदर पानी का एवर्जन पानी की डिसलाइकिंग या पानी का फ्यर कैसे आया तो आप ये कैलिफोर्निया वाला इंसिडेंट उनको बताओगे ठीक है एग्जामिनर को क्वेश्चन की आंसर राइटिंग में तो यहीं से ऑथर के अंदर

जिसने इनके पानी के डर को और बढ़ा दिया राइट सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मुझे बता दो इज दिस मच टू टीबडी दी आज तो क्लास नहीं था ना बेटा आज क्लास नहीं था बट क्योंकि सी यू टी सॉरी सी यू टी बोल रही हूँ बच्चे ने कॉमेंट किया तो सी यू टी दिमाग में uh, uh, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ बेटा आप लोगों को क्योंकि आपके एग्जाम सर पर ही हैं सो वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट ओके राधे राधे खुश रहिए तानिया कैसे हो आप यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए हैं बेटा के चैनल पर हम सी की प्रेपरेशन करवा रहे ठीक है चलिए आगे बढ़े फाइन ग्रेट चलो आगे बैठते हैं नाउ मैं क्वेश्चन पूछूंगी इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना इसको टाटा स्विमिंग पूल अब देखो जब वो ग्यारह साल के हैं वो एक स्विमिंग uh, पूल में जा रहे हैं जो स्विमिंग पूल कहाँ का है याकिमा का वाईएमसीए यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग वो स्विमिंग सीखना की कोशिश करते हैं ऑन वन फाइन डे लेकिन एक दिन क्या होता है अब बोले डिसाइड्स टू तो पुल अ डेंजरस प्रैंक एक बड़ा सा हंक सा बॉय ब्रूसर सा जिसकी मसल वसल खूब है वो उनके साथ एक मजाक करता है ही पुशेस हिम इन द डीप

उनको वो जो ब्रूस बॉय होता है वो पुल के अंदर फेंक देता है अब इनको डर शुरू हो जाता है ही रीचेज नाइन फीट इन टू द वॉटर एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग डेस्परेटली टू होल्ड ऑन टू समथिंग अब क्योंकि इन्हें ट्रिक पता थी स्ट्रेटेजी पता थी कि पानी से बाहर कैसे आत, आना है क्योंकि इनके जो ट्रेनर था उसने इनको सिखाया था कि जब भी आप जमीन पे जाओ तो जमीन पे जैसे ही आपका पैल लगे आप अपने ऊपर की तरफ धक्का देना और की तरह वो एक ऊपर आएंगे छलांग लगाएंगे है ना याद था उनको तो so वो दो तीन बार एफर्ट्स करते हैं लेकिन उनके सारे के सारे एफर्ट्स वेन हो जाते वेन बोले तो व्यर्थ अभी आपको आगे पता चलेगा तो सेकंड टाइम उनकी जिंदगी इतनी क्रूशियल स्टेज uh, पर पहुंच गई है जहां पर वो अपने आप को मरते मरते पा रहे हैं उनको लगता है कि अब वो नहीं बचेंगी हिल बी नो मोर क्योंकि उनको घबराहट हो रही होती है डर लग रहा होता है उनके दिमाग काम करना बंद कर देता है उनकी हाँ, बॉडी काम करना बंद कर देती है सो so, पहली जंप में जो पहली जंप होती है उनकी उसमें तो उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा होता लेकिन दिमाग तो काम कर रहा होता है लेकिन सेकेंड टाइम पे तो उनका दिमाग भी फेल होने लगता है सो ही वॉज सो बैडली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वॉटर वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा लें वो बच जाए उनकी जान बच जाए है ना लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप को पानी के बाहर नहीं ला पाते हैं। तो याकीमा रिवर है और वाईएमसीए का पुल है याद रखिएगा और वाईएमसीए का फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन मोरओवर he yells for help but he starts feeling paralyzed and only his heart was uh, moving now अब वो चिल्लाते हैं जोर-जोर से पच बचाओ, नहीं बड़ी हेल्प मी तो पानी ही पानी ही तो तो किसी की दूर दूर तक आवाज नहीं सुनाई देती है वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी मेरे दिल की थक, थक, थक। और वो भी मेरे दिल की धड़कन मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही थी सर पे क्योंकि मेरी सर की जो नसें थी वो थ्रोप कर रही थी जोर जोर से चल रही थी

मुझे उठा रहा है। और उनको तब घबराहट नहीं हो रही थी, थी, नहीं हो रही थी, तब वो relaxed, calm, like वो वो शांत थे, अब मर रहे हैं। हैं, लेकिन जब उनको उनको होश आता है, तो वो पूल के बगल में पड़े हुए होते हैं। उनको हो रही होती है पेट के बल पड़े हुए होते हैं, ना? So, when he woke up, तो वो क्या अब ये जो इनके अंदर डर था डूबने का इतनी बुरी तरीके से उस डर ने इनको जकड़ लिया था कि जब ये बेड पर लेटते भी थे तो भी इनकी बॉडी कब कप कब पाती थी, थी कि मैं डूब रहा हूं मैं डूब रहा हूं हूं मैं डूब रहा है ना क्योंकि वो बैठ गया था इनके अंदर वो ट्रॉमा में चले गए थे सो अब पहला इंसिडेंट तो इनका कैलिफोर्निया वाला हो गया और दूसरा इंसिडेंट उनका वाई एम सी पुल का हो गया इतना खतरनाक कि अब इनको पानी के नाम से ही डर लगने लगा था कि मैं करूं तो क्या करूं भाई मुझे तो पानी के नाम से ही डर लगता है राइट नाउ

ऐसे नहीं तो वैसे मेरे को तो अपने पानी के डर को खत्म करना ही करना है कुछ भी हो जाए मैं अपने पानी के डर को अपने आप के ऊपर चढ़कर बैठ के नहीं दूंगा मुझे इस चीज से बाहर निकलना है एनी हाउ ओके सो ही एनरोल्स हिमसेल्फ इन स्विमिंग क्लास एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर

टू और फॉर मोशन करना फोर्थ और बैकवर्ड मोशन करना सेकेंड क्या करना इनहेल और एक्सहेल करना और थर्ड क्या करना लेग्स की मोशन uh, करना राइट ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग पार्ट देन ही प्रैक्टिस इट मेनी वीक्स और इस तरीके से ये एक एक प्रोसीजर को बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे तब जाकर के ये अपनी स्विमिंग को सीख पाए है ना फर्दर हीकिंग ऑन किकिंग ऑन द साइड ऑफ द पूल फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया स्विमिंग को सीखा और जब इन्होंने सबको कंबाइन किया तब ये एक अच्छा स्विमर बन पाए ऑल दो दोज हाउ टू स्विम Still terrified of water. लगे कि को धीरे-धीरे जब मैंने अपने दोस्तों से सीखने की कोशिश करी सॉरी तो मैं एक स्विमर तो बन गया था है ना और मैं वाई के पूल में कर सकता था लेकिन अभी भी मेरे अंदर जो डर था वो नहीं जा रहा था मैं इस पर कैसे काबू करता जब मैं पानी के अंदर जाता तब मुझे डर चिल्ला चिल्ला करके बोलता बच्चू मेरे से बच के कहां जाओगे ऐसी वाली इनको फीलिंग आती थी क्या करू क्या करूं मैं मर जाऊ

Any fear fear that comes our way without letting the fear overpower us. तो कहते हैं, तक होता है, जब तक वो दिमाग में होता है अगर हम डर के आगे जीत लेना चाहते हैं या डर के आगे बढ़ना चाहते हैं और डर डर को डर के ऊपर काबू पाना चाहते हैं तो हमें डर का सामना करना पड़ेगा पूरी हिम्मत के साथ और फिर उसको ओवर करने की कोशिश करनी पड़ेगी तभी हम डर के आगे निकल सकते हैं और अपनी जीत को ढूंढ सकते हैं ठीक है सो वट इज फ्यर फियर इज नथिंग एल्स बट बट द स्टेट ऑफ माइंड सो व्हाट्स एवर अच्छा बुरा खुशी दुख प्रॉब्लम इश्यूज परेशानियां ये सब स्टेट ऑफ माइंड होती हैं अगर आप सोच रहे हो दिक्कत है तो दिक्कत है अगर आप नहीं सोच रहे हो दिक्कत है तो दिक्कत नहीं है सो नथिंग इज एज प्रॉब्लमेटिक एज वट इज जस्ट विजिबल समझ में आ गया ना जब तक आप होश होशावास में कुछ कर रहे हो दट इज परफेक्ट तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके कर बता दीजिए इस दिस मच पैपेबल टू एवरीबडी और नॉट अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूँ वट इज क्लास एंड सब्जेक्ट द क्लास इज ऑफ इंग्लिश ठीक है ना एंड द सब्जेक्ट इज ऑल्सो इंग्लिश चलिए मीनिंग ऑफ हु मतलब कैसे भी करके इधर बाय हु मतलब होता है कैसे भी करके शामों भी कर रही है मैं मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटा रेगुलरली क्लास क्लासेस अटेंड करिए आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्लियर मत बोला करो पेल्पेबल बोला करो पैल्पेबल का मतलब होता है क्लियर डोंट से क्लियर से पेल्पेबल बोलो पैल्पेबल फिर मैं क्वेश्चन पूछूं क्वेश्चन पूछूं मैम अरुण अभिषेक क्लास नाइन स्टडी सारे बच्चे बोलो पैल्पेबल मैम फिर मैं क्वेश्चन पूछूँ अगला चैप्टर करवाने चलो। so, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, है? ठीक जो उनका नाम क्या है? फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए मुझे दैट्स लाइक माय स्टूडेंट्स ग्रेट सो नए नए वर्ड सीखा करिए नए नए वोकैबुलरी सीखा करिए जस्ट मेक अ चेंज Fine, चलो बताओ हु इज द राइटर और द ऑथर ऑफ डीप वॉटर वो प्रॉब्लम इसलिए ना बेटा आपको नहीं पता कि आपको आंसर मेकिंग करनी कैसे है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इट विल हेल्प यू वैसे मैंने बनाई हुई है एक तो अगर आप चैनल पे हमारे देखना चाहें सो विल गेट इट हाँ बेटा समरी इट समरी विलियम डगलस अच्छा विलियम डगलस ने यहां पर अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाई है जिसमें उन्होंने बताया कि उनको डर है किस चीज का पानी का सो so, पानी के डर को हम क्या बोल सकते हैं फियर ऑफ वॉटर इज नोन एज फियर ऑफ वॉटर इज नोन एज फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिया तान्या वेरी गुड हाइड्रोफोबिया बोलते हैं हाइड्रोफोबिया अच्छा पहली बार हमारे ऑथर को पानी का डर कब पता चला कि उनको पानी पानी से डर लगता है वो वो कितने साल के थे वो किसके साथ गए थे कहाँ गए थे ये आपको बताना है जब उनके उनके अंदर पहली बार पानी का डर आया तो बताइए पहली बार ऑथर को कब फील हुआ कि उनको पानी से डर लगता है ये कब उनके अंदर एवर्जन ऑफ वाटर आया वेरी गुड यश वेरी गुड क्लास नाइन स्टडी रोहन अभिषेक ना नॉट नाइन ईयर्स ही वॉज फोर ईयर्स ओल्ड ना सेकेंड टाइम का बता रहे हो रोहन आप चार साल के थे कैलिफोर्निया बीच गए थे किसके साथ गए थे हाय शिखा कैलिफोर्निया बीच जहां पर उनको उनके साथ क्या हुआ था जहां पर एक वेव ने उनको नॉक डाउन कर दिया था पानी की लहर ने उनको आकर के गिरा दिया था अच्छा वट वॉज द रिएक्शन ऑफ हिस्सा बिग वेव नॉक उनके पापा का रिएक्शन क्या था

हाँ his, his father was laughing because he uh, knew that there was no danger but he was very much terrified कि बाप रे बाप मैं तो मर गया पानी ने तो मुझको एकदम डुबो ही दिया है ना very good he was laughing great अच्छा second time उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश करी पानी के डर से बाहर आने की कोशिश करी लेकिन फिर उनके साथ एक हादसा हो गया तो जब सेकंड टाइम उनके साथ हादसा हुआ पानी वाला तो वो कहां पर हुआ कौन सी रिवर में हुआ कौन से पूल में हुआ ठीक है और वो कितने साल के थे और किसने उनके साथ ये किया था जो कांड उनके साथ हुआ था कल प्रैक्टिकल है ओ माय गॉड तो प्रिपेयर प्रे तो होगा ना बेटा ऑल प्रैक्टिकल इंग्लिश का प्रैक्टिकल है okay.

गबरू जवान हाँ अठारह साल का लड़का था थ्रू पुल हिम डाउन नहीं थ्रू हिम टू वाई एम सी पुल वट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाई अच्छा जिनी आपकी हो गई प्रैक्टिकल दैट्स नाइस वाई फुल फॉर्म का बताइए वाई का फुल फॉर्म ंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है बेटा इंपॉर्टेंट ये बता रही हूं बेटा आपको समराइज कर रही हूं पूरा का पूरा चैप्टर यंग मैं क्रिश्चियन एसोसिएशन याद नहीं है यंग मैन यंग मैन यंग मैन हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा मुझे बताओ वो जो बिग ब्रूस बॉय था उसने ऑथर को पानी के अंदर तो फेंक दिया वाईएमसी पुल के अंदर लेकिन डीपेस्ट एंड में फेंका था है ना और वो डीपेस्ट एंड कितने फीट का था यंग मेंस क्वेश्चन एसोसिएशन में लिख देती हूं यंग मेंस क्वेश्चन एसोसिएशन ठीक है मैडम नाइन नहीं सेवन फीट नहीं था बेटा नाइन फीट था डीपेस्ट एंड उसका नाइन फीट था शुरुआत उसकी दो से तीन फीट से होती है लेकिन डीपेस्ट एंड का नाइन फीट का होता है अच्छा ठीक है फाइन अच्छा बताओ डेड दी ऑथर ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग क्या ऑथर ने कोशिश करी अपने आप को डूबने से बचाने के लिए यस और नो एंड वॉज ही एबल टू सेव हिमसेल्फ क्या वो अपने आप को बचा पाए थे हाँ या नहीं नहीं और अगर नहीं तो उनको कोशिश करी उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर की ट्रिक को भी सोचा कि वो जैसे ही जमीन पर जाएंगे वो एक छलांग लगाएंगे जैसे कि रब छलांग लगाती है और फिर वो अचानक से जम करके ऊपर आ जाएंगे बट दो बार उन्होंने ट्राई किया और फिर उन्होंने हिम्मत हार दी क्योंकि ही वाज अनेबल टू सेव हिमसेल्फ वो अपने आप को बचा नहीं पाए उनको बचाने वाला कोई और था किसने बचाया उनको ये नहीं पता लेकिन जब वो होश में आए तो वो कहां पड़े हुए थे पूल के साइड में ही वाज लाइंग टू द साइड ऑफ द पूल अच्छा बताओ YMCA पूल में डूबने के बाद जो ऑथर थे उनका एवर्जन पानी को लेकर के खत्म हुआ या नहीं यस ओ नो बेटा पे मैंने पूरा प्लानर बनाया है आप इसको मेरे साथ देख सकते हैं रेगुलरली क्लासेस आपकी हो रही हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं फोर थर्टी पर okay? नहीं नहीं खत्म कर पाया वो अपने वर्जन ऑफ वाटर को अब बेचारे क्या करते उन्होंने कहा नहीं उन्हें ओवरकम तो करना है है ना जब वो बड़े हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं चलेगा अगर मैंने अपने पानी के डर को खत्म नहीं किया तो मैं ना कैनोइंग कर पाऊंगा ना बोटिंग कर पाऊंगा ना फिशिंग कर पाऊंगा ना कर ना स्विमिंग कर पाऊंगा है तो उन्होंने कहा मुझे अपने पानी के डर को खत्म करना है तो उन्होंने ना अपने पानी के डर को खत्म करने के लिए किसी को हायर किया तो उन्होंने किसको हायर किया आपको ये बताना है और उन्होंने जिसको हायर किया उसने उनको तीन स्टेप में स्विमिंग सिखाई सो वो तीन स्टेप कौन कौन से थे आपको ये भी बताना है बताओ किसको हायर किया था उन्होंने किसको हायर किया था उन्होंने जल्दी से बताइए गाना वाना सुन के आए क्या धोखेबाज को बोलते हो ट्रैकर्स या फिर डेंजरस को भी बोल सकते हो ओके इंस्ट्रक्टर को हायर किया वेरी गुड इंस्ट्रक्टर ने उनको तीन स्टेप में स्विमिंग सिखाई पहला वट वॉज द फर्स्ट वन गो फोर्थ एंड बैक दूसरा आप लिखेंगे इसको कॉमेंट्स में इनहेल एंड एक्सहेल थर्ड मोशन ऑफ लेग्स और जब उन्होंने इसको कंबाइन किया

वो क्या है जल्दी से बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ डीप वॉटर डीप वॉटर स्टोरी का थीम क्या है वेरी गुड टू एंड फ्रॉम मोशन इनहेलिंग एंड मोशन ऑफ़ लेग्स वेरी गुड डेफिनेटली वाहे गुरु जी आप बिल्कुल 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 कर सकते हैं फुल स्कोर दर नो डाउट इन इट थीम बताइए जल्दी से इसका राइट वो क्या बोलते हैं डीप वाटर का थीम बताइए फियर इज़ ओनली द स्टेट ऑफ माइंड एंड इफ यू ओवरकम द फियर यू हैव टू कॉन्फ्रंट इट है ना फियर खाली स्टेट ऑफ माइंड होता है जो आपकी सोच में होता है और अगर आपको उसको ओवरकम करना है उस पर काबू पाना है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा राइट सो अब क्या लिखेंगे इसका थीम सुन लीजिए ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिटेल भी कर सकते हो आप फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड ठीक है टू ओवरकम इट यू हैव टू कॉन्फ्रेंट इट Fine. कोई बात नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को ही बुला रही हूँ ठीक अच्छा है अच्छा बताएं मुझे यहाँ तक सभी लोगों समझ में आ लोग हम लोग नेक्स्ट स्टोरी शुरू करें फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी बार कंप्लीट पढ़ाने के बाद ग्रेट चलिए झूठ झूठ नहीं रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए अच्छे से पढ़िए आपके फुल स्कोर आ, आएंगे इंग्लिश में ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ द नेम ऑफ द चैप्टर इज दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक राइट एंड आप बता सकते हैं मुझे इसके राइटर कौन है सलमा ठीक है डीप वॉटर आपका विलियम डगलस ने लिखा हुआ है और आपकी जो राइट्रैप है राइट्रैप जो स्टोरी है इसको लिखा है सेल्मा लगलोफ ने, ठीक है ना? सेल्मा अच्छा इस स्टोरी में एक राइट्रैप सेलर की कहानी सुनाई गई है एक चूहे दानी बेचने वाला आदमी यह चूहे दानी बेचने वाला आदमी बहुत ही गरीब है, है ना इतना गरीब है कि ये भटकता रहता है इधर उधर ना इसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है ना रहने के लिए अच्छा घर है ना खाने के लिए अच्छा खाना है और इवन इसके पास इसका खुद का नेम भी नहीं है कभी इसको कोई राग मफिन बुलाता है तो कभी कुछ है ना तो सब कोई इसको उल्टे सीधे नाम से बुलाते हैं इसका अपना असली कोई भी नाम नहीं है है हाँ ना अब ये गरीब है बेचारा तो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए छोटे मोटे आ, काम किया करता है और छोटे मोटे काम भी क्या चूहे दानियां बेचता है है हाँ ना सो so, अब देखो जितने गरीब लोग होते हैं ना कहीं ना कहीं उनकी गरीबी ही इस चीज का कारण बनती है कि वो छोटी मोटी चोरिया करे तो ये अपनी जिंदगी कैसे चलाता है एक तो चूहेदानी बेच करके भीख मांग करके और दूसरा सेकेंड थिंग इज वर्ट सेकेंड थिंग इज कि वो क्या करता है बताओ सेकेंड थिंग वो चोरियां करता है छोटी मोटी है ना तो अब क्या है यहाँ पर इनमें इसमें दिखाया गया है कि इसके पास कुछ रहने के लिए कुछ नहीं होता है तो जब इसके पास कुछ रहने के लिए कुछ नहीं होता है तो ये सोचता है वो पूरी दुनिया जो है एक रैट सेलर, रैट ट्रैप ट्रैप सेलर की तरह ही है जैसे आ, रैट ट्रैप होता है उसमें चूहा फंसता है वैसे ही वर्ल्ड ट्रैप है वर्ल्ड ट्रैप में लोग फंसते हैं जैसे रैट ट्रैप में पोर्क और चीज रखा जाता है वैसे ही दुनियावी ट्रैप में मटीरियल चीजें रखी गई है जैसे गाड़ी बंगला दौलत छोरत सब है मेरे पास तेरे पास क्या है तो आप बोलते हो मेरे पास माइ है ना सो so, वो वर्ल्डी ट्रैप है और एक दिन ये सोचता सोचता वो खुद ही इसी वर्ल्ड ट्रैप में फंस जाता है वो एक बूढ़े क्रॉफ्टर की चोरी करता है थर्टी क्रोनर्स की और फिर भाग जाता है फिर उसको एक आयरन मास्टर अपने घर में बुलाता है और उसको पता चल जाता है कि वो चोर है 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 ना तो तो वो 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 क्रॉफ्टर क्रॉफ्टर जो अपने वो मतलब के घर से चोरी करके तो ये भाग जाता आयरन मास्टर के घर जाता है तो आयरन मास्टर को जब ये पता चलता है कि ये चोर है तो वो इसे पकड़ने के लिए आता है लेकिन तब तक ये सुधर चुका होता है और इसके सुधरने का कारण बनती है एक लड़की वो है आयरन मास्टर की डॉटर वो बहुत अच्छे कर्म करती है अच्छी एक्टिविटीज करती है जिसकी वजह से

टाइमिंग ऑफ द क्लासेस फोर थर्टी ओके बेटू ठीक है चले आगे बढ़े हम लोग बताओ बड़े यस एक बार लिख दें कॉमेंट सेक्शन में यस तो फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूं स्टोरी को ग्रेट चलिए नाउ द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर लोगेट दिस द स्टोरी बेगिन रेड ट्रैप पेडलर फेरी लगाने वाला और जो फेरी लगा लगा करके क्या पेडलर मतलब जो पैदल पैदल चलता है फेरी लगाता है और फेरी लगा के क्या बेचता है रेड ट्रैप सो so, कहानी शुरू होती है एक रेड रेड ट्रैप ट्रैप से से हु हु इज इज अ अ इन कंडीशन कंडीशन जो बहुत ही बुरी में है उसके गाल पिचके हुए हैं ठीक है और उसने फटे अच्छे थोड़े कपड़े पहने हुए हैं और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि भूख है उसे खाना नहीं मिला है बहुत दिनों से ढंग से ही इज ड्रेस्ड एंड रैक्स फटे अच्छे कपड़े उसने पहने हुए हैं एंड इज वेरी फ्रेल एंड लुक

कोई भी उसकी परवाह करने वाला नहीं है कोई उसको खाना पूछने वाला नहीं है कोई उसको ये बोलने वाला नहीं है कि मेरे घर आकर के रह लो और कोई भी उसकी केयर करने वाला नहीं है तो ये बेचारा अकेला असहाय है मजबूरी में अपनी जिंदगी बस किसी तरीके से गुजार रहा है राइट राइट लुक एट दिस वन फाइन डे एक दिन इट्स टू टू हिम दैट होल वर्ल्ड इज सेल्फ अब जैसा कि आपको पता है दुनिया वालों ने इसके साथ कभी भी कुछ दुनिया वालों ऐसा बोलती है ना बसंती दुनिया वालों तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया तो ये रेड ट्रैप से भी कहता है दुनिया वाला तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हारा बुरा कैसे करूं तो मैं तुम्हारा बुरा करूंगा सोच करके मैं ये सोचूंगा कि तुम्हारे मुंह में कीड़े, कीड़े पड़े ऐसे करके हम लोग थर्ड लाते हैं ना तो यहाँ पे तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े नहीं सोच रहा है ये सोचता है ओ, मेरा जो रेड ट्रैप जो रेड ट्रैप है ना

वहीं पर वर्ल्ड ट्रैप में जो चारा होता है वो क्या होता है वो होता है मटीरियलिस्टिक चीजें गाड़ी बंगला दौलत शौरत आराम है ना तो मटीरियलिस्टिक मटीरियलिस्टिक चीजें चीजें अब मैं से ये पूछोगे आप मैम क्या होती हैं तो मैं आपको क्या बताऊंगी जो भी सामान है मटीरियल थिंग्स राइट तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ यू कैन से दैट रैट ट्रैप एंड वर्ल्ड ट्रैप आर सिमिलर सो कंपेयर रैट ट्रैप विद वर्ल्ड ट्रैप ठीक है ये ऑथर ने किस तरीके से राइट ट्रैप और वर्ल्ड ट्रैप को कंपेयर किया या फिर पेडलर कैसे सोचता था कि राइट ट्रैप वर्ल्ड ट्रैप की तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हर साल आता है तो वन फाइन डेट स्ट्राइक हिम टू इट स्ट्राइक टू हेम दैट दिस होल वर्ल्ड इज अट्राप इट सेल्फ पूरी दुनिया एक राइट ट्रैप है इफ यू टच इट अगर हम उसको छुएंगे इट विल ट्रैप अस वो हमें फंसा लेगी एंड नेवर लेट अस गो और हमें कभी भी जाने नहीं देगी ही ऑन टू थिंक दैट देयर देयर आर आर पीपल आउट हु ऑलरेडी इन दिस ट्रैप एंड रीचिंग फॉर द बेट ठीक है तो कहता है भाई ये दुनिया है इसमें दुनिया में चारे पड़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अभी भी इस चारे के आसपास 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 मंडरा रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उस चारे को पकड़ लेंगे और फिर वो वर्ल्ड ट्रैप उनके ऊपर बंद हो जाएगा वो कभी भी उस वर्ल्ड ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे राइट right? अच्छा तो ये तो तो सोच थी बड़ा खुश हो रहा होता है 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 एक दिन जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। रास्ते में काफी रातों की होती है तो उसको आसरा लेना होता है कहीं पर तो उसको रास्ते में एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है सो वो ऑन वन कोल्ड इवनिंग ही रीचेज टू फॉर शेल्टर तो वो उस कुटिया में खटखटाता है ग्रे कलर की कुटिया में कहता है कि आप मुझे एक दिन के लिए अपने घर में आश्रा देंगे अच्छा खतरनाक बात तो ये होती है उसने सोचा लेकिन उसका बहुत अच्छे स्वागत किया जाता। से, करेंगे से स्वागत किया क्योंकि वो भी अकेला है उसके पास भी कोई नहीं है बात करने के लिए उसकी फैमिली में कोई नहीं है उसकी बीवी है तो मर चुकी है उसके बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं तो उसके पास कोई नहीं है वो अकेला है मजबूर है

एक बड़ा सा सिगार रोल देता है उसको वो बीड़ी होती है ना बीड़ी बना करके देता है एक सिगार को रोल के दो टुकड़े करता है और दोनों पीते हैं और फिर ये जॉलिस भी खेलता है मु है लेकिन जॉलिस आप बोलो एम साइलेंट है तो गेम खेलते हैं लोग कार्ड्स खेलते हैं रात भर दे प्ले कार्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग रात भर बातें करते हैं तो क्रोफ्टर बातों ही बातों में अपने सारे सीक्रेट्स उसके साथ श्योर कर देता है और वो उसको ये भी बताता है कि तुम्हें पता है मेरी एक गाय है वो क्या करती है वो मिल्क देती है और उस मिल्क को हम क्रीमरी क्रीमरी एक जगह है एक इंडस्ट्री है जहाँ पर जा कर के वो इस क्रीम क्या बोलते हैं मिल्क को बेच देता है जहाँ पर मिल्क का कन्वर्जन क्रीम में होता है राइट सो so वो कहता है पेडलर लर्न दैट द क्रोफ्टर गॉड थर्टी क्रोनर फॉर सेलिंग हिज काउ काउज मिल्क विच ही कीप्स इन अ पाउच विंडो फ्रेम। so, पर जो सीक्रेट शेयर किया है कि मेरी जो है वो मिल्क देती है उस मिल्क को मैं में और खिड़की में जो पाउच है उसमें मैंने रखा हुआ है तो वैसे क्रंचेज नोट उसको दिखाता भी है कि देखो ये मैं कमाता हूँ ऐसे करके तो अब ये पता चल जाता है और उसका दिमाग ठनक जाता है कि अब तो मैं करूंगा चोरी सुबह सुबह उठता है चला जाता है देखो द दीव नेक्स्ट डे बट आफ्टर द क्रोफ्टर लीव कॉटेज क्योंकि अब दिल में तो गंदगी आ गई है है तो गई है ना नेगेटिविटी तो गई थोड़ी सी दिमाग में तो पैसा ही नाच रहा है कि चुराना तो है चुराना तो है सो so, अब वो सुस्ता सुबह सुबह दोनों उठते हैं वो अपने रास्ते अपने रास्ते ये लेकिन ये रा, रास्ते से वापस लौटता कहता है मैं चोरी करूंगा जाता है खिड़की खिड़की का एक पेन एक शीशा तोड़ता है अंदर हाथ डालता है, है, क्रोन, है, है वो पाउच वहीं पर टांग देता है पैसे निकाल करके और भाग जाता है ना सो so अब देखो इंसान के दिल में कैसे कभी भी गंदगी आ जाती है और पता है आपको साइकोलॉजी में पढ़ाती है कि तीन तरह की चीजें होती है आपका एटीट्यूड अगर आपसे कोई ये बोल रहा है यार तू बड़ा एटीट्यूड ही है तो आप ना चलिए अच्छा। ग्रेट है ना अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं क्या बता दी भूल गई हाँ तो तीन तरह की चीजें होती है एटीट्यूड एक होता है ईगो एक होता है सुपर इगो एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप, आपका वो नेचर है वो आपका बिहेवियर है अगर आपसे कोई ये बोले तू बड़ा एटीट्यूड ये तो इट्स माई नेचर है ना तो मैं हूं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ईगो आपसे कहता है चोरी 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 कर चुरी कर चुरी कर वो जबरदस्ती है ना आपसे कोई काम करवाता है सो ईगो इज ऑल्सो लाइक ठीक है गुड ठीक है कि आपको इंसाइट कर रहा है वो कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो फिर आता है सुपर ईगो सुपर ईगो आपसे कहता है नहीं चोरी मत करना गलत बात होती है पाप होता है तो वो आपको समझा रहा है और फिर इसके बाद आता है एक ऑल्टर ईगो जहां पर आपके बिहेवरियल चेंज होते हैं तो चेंज में क्या होता है आप या तो कर लेते हो चोरी या तो आप नहीं करते हो तो जो ऑल्टर ईगो होता है वो खराब होता है अदरवाइज एटीट्यूड ईगो ईगो और सुपर खराब नहीं होते बुरे नहीं बोले जाते राइट सो तो यहां पर इसके अंदर ऑल्टर ईगो आ गया जिसने इसके बिहेवियर को चेंज करने में मदद किया और इसने चोरी करी इसको पता था कि ये गलत कर रहा है लेकिन फिर भी ये चोरी करता है क्योंकि इसके अंदर ऑल्टर ईगो आ गया राइट right, अब देखिए आगे आगे क्या होता है अब चोरी कर लेता है अब चोरी करिए तो मन में तो चोर बसा ही हुआ है तो अब सीधे रास्ते से जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा चोर की आ, पकड़ने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना राइट सो वो क्या करता है वो दूसरे रास्ते से निकलता है तो वो रोड का रास्ता ना लेकर के कि उसे पकड़ लिया जाएगा वो जंगल का रास्ता चूज करता है सो आफ्टर स्टीलिंग इट चोरी करने के बाद ही टेक्स द वुड्स वुड्स का मतलब है जंगल फॉरेस्ट जंगल वाला रास्ता रहता है टू रिमेन अनसस्पेक्टेड किसी को उस पर डाउट ना हो इन दुर्ड जंगलों में जब ये जाता है द मीट्स आयरन मास्टर हु मिस्टेक्स टू तो बी अच्छा ओल्ड कॉम्रेट. अब यहां पर आपको पूरा आ, पूरा कंप्लीट नहीं दिया गया शॉर्ट में खत्म किया गया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये जंगल में जाता है और जंगल में ये घूम रहा होता है रहा होता घूम रहा होता है उसको बाहर का रास्ता नहीं मिलता फिर ये घूमता है घूमता है घूमता फिर उसको बाहर का रास्ता नहीं मिलता फिर ये घूमता 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 उसका बाहर का रास्ता नहीं मिलता तो अल्टीमेटली ये वहीं पर ही नाच रहा होता जंगल में तो अचानक से ये बेहोश होकर गिर जाता है कहता मैंने चोरी करी और मैं आज खुद वर्ल्ड ट्रैप में फंस गया तो जब ये फेंट होकर के नीचे गिरता है तो उसको आवाजें आती है ग्राउंड पर धम 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 तो उसको लगता है आसपास कोई ना कोई लोग जरूर हैं जहां पर काम चल रहा है तो ये उसी आवाज की डायरेक्शन में भगते 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 जगह पे पहुंचता है जहां पर इसको एक आयरन मिल दिखाई देती है अब आयरन मिल में से दो लोग दिखाई देते हैं एक मास्टर में दिखाई देता है और एक उनका असिस्टेंट दिखाई देता है वो दोनों लोग काम कर रहे होते हैं लोहा जो और होता है ना उसको पिघला रहे होते हैं तो वहां पे धम 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 की आवाजें आ रही होती हैं ठीक so, है, तो वहां पर जाकर के ये एक रात का आश्रा लेता है तो ये एक दिन के लिए खाली आश्रा लेने गया में तो और भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शाम में आश्रा लेने के लिए वहां पर आते हैं और सुबह चले जाते हैं अब वहां पर बताया गया कि वहां पर अलग अलग आवाजें आ रही होती है ठीक है कोयले के चिटकने की आवाज आ रही होती है ठीक है फूकनी के खुल बंद होने की आवाज आ रही होती है प्लस जो बाहर बारिश हो रही होती है उसके दीवार पर गिरने की होती है। तो बहुत बगल में होते हैं वो अक्सर रात में ना ऐसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए होते हैं कि काम कैसा चल रहा है तो वो जब आते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन हो जाता है उनको लगता है उनका पुराना कोई दोस्त है तो वो उसको समझते हैं क्या समझते हैं एक ओल्ड कॉमरेड नील जोलफ

तो ये बोलता नहीं है इसको लगता है कि अरे ये जो आयरन मास्टर है ये जो है ना ये मुझे जानता है और शायद ये मुझे ना थोड़े पैसे दे दे तो ये अपनी आइडेंटिटी छुपाता है लेकिन फिर उसको पता चलता है पोपट कैसे हुआ क्योंकि अपने घर क्रिसमस पर लेकर के जाऊंगा ठीक है इस तरीके से तो अभी कॉमरेड आप बोल सकते हो आ, साथी ठीक है बेटा साथी को बोल सकते हो एक सेकेंड रुकना आप आप ओल्ड रेजिमेंटल मतलब एक आ, आ, साथी ही आप कह सकते हो या फिर पर्सन हो तो किसी किसी होंगे और ये भी आर्मी का ही पर्सन होगा तो साथ में किसी युद्ध में लड़ा होगा इसलिए कॉमरेड बोला गया उसको सो कॉमरेड एक ऐसा पर्सन जो इनका साथी है युद्ध में साथी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते तो कहते हैं

अब उसको लगता है यार मैं कहा फंस गया मैंने क्यों चुराया पैसे अब देखो मैं वर्ल्ड में फंस रहा हूँ uh, nice अपने घर लेकर जाते हैं वहां पर इसकी uh, मतलब ठुकाई पटाई होती है कि इसकी दाढ़ी वाड़ी बनाई जाती है इसको नहलाया जाता है बाल बाल कटवाए जाते हैं इसको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं वो नए कपड़े एक्चुअली में आयरन मास्टर के पुराने कपड़े होते हैं ठीक है तो अब जब ये पहन के तैयार होता है सामने और जब ये आता है किसके सामने आयरन मास्टर के सामने तो तूने तो धोखा दे दिया हमको तो 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 बाप, बाप, तो तो गेम खेल रहा है तो ही नहीं वो उसको भगाते हैं अभी, अभी यहाँ से निकलो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा धोखा दे हो तुम हमको तुमने झूठ क्यों बोला हमें बताया क्यों नहीं कि तुम हमारे साथ ही नहीं हो है तो अब ये कहता है बोलने लगता उल्टा सीधा कहता है यू आप मुझे गलत कह रहे हो आज आप मुझे आप यहाँ पर लेकर क्या हो देखो मैं एक वर्ल्ड ट्रैप में फंस गया हूं। और एक दिन तुम्हारा भी आएगा तुम भी वर्ल्ड ट्रैप में फंसोगे तो आयरन मास्टर हंसने लगता है कि ये क्या बोल रहा है बकवास कर रहा है तो आयरन मास्टर उसको भगा रहा होता है तो आयरन मास्टर की बेटी कहती है नहीं पापा वो अकेला है मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे ठीक है आप आप प्लीज किसी को बुला करके ऐसे उसको भगाओ मत तो उसकी बेटी उसको रोक लेती है कन्विंस करके दस आर मास्टर थिंग्स ही इज अ फ्रॉड एंड डिसाइड टू टर्न हिम इन उसको भगाता है जबकि एडला विलमेंसन उसको बोलती है कि नहीं पापा उसे सेलिब्रेट करने दो बेचारा गरीब है है ना तो फिर क्योंकि आपको बताया गया है कि एडला विलमेंसन की जो कन्वेंसिंग पार है वो स्ट्रॉन्ग होती, होती है कि एडला विलमेन्सन कहती है कि पापा मत जाने दो उसको तो वो रोक लेते हैं अब रुक जाते हैं तो ये पूरे दिन उनके घर पे क्या करता है खाता है सोता है खाता है सोता है लगता है ऐसा लगता कि उसको इससे ज्यादा खाना और इससे ज्यादा सुकून कहीं मिला ही नहीं सो so, जब उसके पापा अग्री कर जाते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं टुगेदर और अगले दिन एडला विल है उसके पापा जो है, वो कहां चले जाते हैं चर्च में प्रेयर के लिए और तब तक ये इनके घर में सो रहा है तो जब ये वहां पर जाते हैं तो पता चलता है अच्छा ओल्ड के घर में चोरी हो गई है और चुराने वाला एक रेड सेलर है तो फिर उनको पता चलता है गलत आदमी को हमने घर के सारे सिल्वर विल्वर स्पून गायब हो गए होंगे है ना तो बहुत गुस्सा आता है आयरन मास्टर को कि तुमने बोला था मेरे को रोकने के लिए इसको मैंने मैं तो नहीं रोकना चाह रहा था और देखो तुमने रुकवा लिया अब देखो एक चोर को तुमने मेरे घर में रुकवाया पता नहीं क्या क्या चोरी किया होगा उसने ये वो तुम्हें तो बेचारी एडलासन का सर नीचे होता है अब पापा सुना रहे होते हैं उसको खूब they had home in a hurry वो भागते भागते घर आते हैं कि कहीं इसने सब चुरा तो नहीं लिया एंड थिंकिंग ही मस्ट हैव स्टोलेन ऑल द सिल्वर हाउएवर टू दे आर सरप्राइज लेकिन जब वो घर आते हैं तो उन्हें एक हैरानी मिलती है इनका नौकर इनको बताता है कि अरे पैडलर ने तो कुछ चोरी किया ही नहीं बल्कि वो एडलबेल मेंशन के लिए गिफ्ट छोड़ करके गया है एक uh, एक बॉक्स है जो कि उल्टा सीधा पैक्ड है उसके अंदर रैट ट्रैप uh,

अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से एक बुरे इंसान को बदलने में मदद करती है सो दिस इज दट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी द से हमने क्या सीखा हमने सीखा दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू आर काइंडनेस एंड कंपैशन इन एडिशन टू टीचर्स दैट मटीरियल टिक थिंग्स ब्रिंग इन अर जॉय ओनली लव एंड रिस्पेक्ट दस अगर आपको किसी को खुशी देनी है तो वो प्यार और रिस्पेक्ट से ही आप दे सकते हो और अगर आपको बदलना है ना तो आप किसी को भी बदल सकते हो अपनी काइंडनेस से और अपनी कंपैशन से राइट सो so, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए तक आपको स्टोरी समझ में आ गई फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और फिर मैं बढ़ूं अगली लेसन की तरफ इंसेस्ट का मतलब है रिक्वेस्ट करना ठीक है आयु मास्टर का नाम मेंशन नहीं है बेटा शाम्भवी आयरन मास्टर का नेम स्टोरी में मेंशन में नहीं है आयरन मास्टर इज विद आयरन मास्टर ओनली ठीक है, है? यहां तक क्लियर हो गया मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से वेरी गुड सो जल्दी से फटाफट मुझे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी इस कहानी के जो राइटर है उनका नाम क्या है फीमेल है ये <laughs> सेलमा लैगलो वेरी गुड कशिश अच्छा हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ये स्टोरी मेन किसके बारे में ये कहानी मेनली किसके बारे में मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी good. Can you suggest certain names of रेड trap seller? क्या कुछ और नाम बता सकते हो रेड trap seller के जो इस चैप्टर में दिए गए पेडलर, okay, great. पेडलर, स्ट्रेंजर. Very good. मुझे बताइए कुछ भी नहीं था यहाँ तक अपना नाम भी नहीं था घर भी नहीं था कपड़े भी नहीं थे खाना भी नहीं था तो वो जीता कैसे था सर्वाइव कैसे करता था दो काम करके एक तो भीख मांगता था और दूसरा चोरियां करता था इसको कैसे लिखोगे राइट्रेप सेलो कैसे सर्वाइव करता था बताओ हाउ राइट्रैप सेलो यूज टू सर्वाइव कैसे सर्वाइव किया करता था वो

और उसने उसके साथ क्या क्या शो किया वेरी गुड एक दिन वो रात में क्रोफ्टर के घर पर रुका और क्रोफ्टर के घर पर रुकने के बाद उसने उसकी आयरन मैन के घर पे नहीं क्रोफ्टर के घर पे हाँ और क्रोफ्टर के घर पे जब उसने रुका तो उसको उसने क्या क्या शेयर करके दिया पोरेज दलिया उसने उसके साथ कार्ड्स भी खेले और एक रोल भी शेयर किया सिगार रोल है ना बीड़ी टाइप का अच्छा ओके <laughs> फाइन उसने ना उसको एक और चीज बताई उसने उसके साथ एक सीक्रेट भी शेयर किया वो सीक्रेट क्या था क्रोफ्टर ने जो सीक्रेट शेयर किया वो सीक्रेट क्या था वट वॉज द सीक्रेट ऑफ क्रोफ्टर भिड़ी भिड़ी इज द रोल सिगार रोल थर्टी क्रोनर्स पूरा बताएंगे थर्टी क्रोनर्स के बारे में कि आ, उसके पास एक गाय है उस गाय का मिल्क वो क्रीमरी में बेचता है और उस क्रीमरी से उसको बेचने के बाद उसको थर्टी क्रोनर्स मिलते हैं और वो थर्टी क्रोनर्स उसने एक लेदर पाउच में रखे हुए हैं वो लेदर पाउच उसका विंडो में लगी हुई एक नेल पे रखा हुआ है ठीक है ना अच्छा द सेकेंड क्वेश्चन इज क्या रेट्रैप सेलर ने इसके घर पर चोरी करी क्रोफ्टर के घर पर यस और नो और अगर उसने चोरी करी तो चोरी कर करके वो कहां भागा जंगल में वुड्स में या फिर रोड पे थर्टी रोनर्स वेरी गुड यस कहां भागा वो यस फॉरेस्ट फॉरेस्ट की तरफ भागा वो right? राइट अच्छा पहुंचने के बाद वो रास्ता खो गया है ना और रास्ता जब खो गया तो वो बेहोश होकर के गिर गया बेहोश होकर के के गिरने बाद उसे एक आवाज सुनाई दी वो हथौड़े की थी वो उस आवाज की तरफ दौड़ा और जब वो उस आवाज की तरफ दौड़ा तो वो एक जगह पहुंच गया सो so वो कौन सी जगह पहुंचा है है ना उसकी उस जगह पर किससे मुलाकात होती है? है ना और वो जिस इंसान से उसकी मुलाकात होती है वो उसको मिसटुक करता है सो को वो किस चीज से मिस करता है उसे क्या लगता है इस पर्सन को क्या लगता है कि राइट प्राप्त कौन है बताइए वेरी गुड वो आयरन मिल पहुंचता है उसे आयरन मिल में कौन मिलता है आयरन मास्टर आयरन मास्टर उसे समझता है ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड आप नील जोलो भी लिख सकते हो अच्छा आयरन मास्टर के घर ले जाने वाला पर्सन इस राइटर आप सेलर को कौन है आयरन मास्टर खुद या फिर उसकी बेटी आयरन मास्टर को जब नील जोलफ को अपने घर ले जाना होता है तो नील जोलफ को घर ले जाने वाला कौन है आयरन मास्टर की उसकी बेटी हिज फ्रेंड कैप्टन फाइन बताइए हिज डॉटर अच्छा व्हाट इज द नेम ऑफ हिज डॉटर आयरन मास्टर की डॉटर का नाम क्या है आयरन मास्टर की डॉटर का नाम क्या है एडलाविल मैंसन अच्छा एडलाविल मैंसन ने रैट्रैप सेलर को किस तरह हेल्प किया इन द एंड ऑफ द स्टोरी राइट ट्रैप सेलो इन द एंड ऑफ द स्टोरी एडलावल मैं राइट्रैप सेलो को स्टोरी के एंड में किस तरह से मदद किया बताइए द काइंड एंड कंपैशनेट बिहेवियर ऑफ एडलाविलसन हेल्प Rat trap seller to change his behavior and help uh, him too. to stay away from the world trap. या yeah. life, को नहीं चेंज किया बल्कि उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया <coughs> का नाम है इंडिगो तो मैं आपको यह बताती चलूं कि इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर यह स्टोरी है और यह स्टोरी आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा गा गांधी जी की बायोग्राफी हमें इसमें बताई गई है गांधी जी ने अपना पहला फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट किया वो आपको यहाँ पर पता चलेगा सो so, इंडिगो में आपको बता दूं बेसिकली उस टाइम पर इंडिगो प्लांटेशन हुआ करता था और इंडिगो प्लांटेशन को हिंदी में बोलते हैं नील की खेती की जाती थी तो बेसिकली ये जो प्लांट था इससे कलर प्रोड्यूस होता था एक नीला रंग प्रोड्यूस होता था जिससे कपड़ों को डाई किया जाता था राइट तो इसी आ, की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और हमारे जो भारतीय थे भारतीय किसान उनसे ये नील की खेती करवाई जाती थी और ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया बहुत ज्यादा धोखाधड़ी करी जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और जब ए, एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला तो वो रेबिल वो कर रहा था पर करने के लिए गांधी जी की मदद मांगने के लिए गया था तो गांधी जी ने किस तरीके से मदद करी और कैसा उन कैसे उनका पहला चंपर एंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे सो सो बिगिन विद द द चैप्टर चैप्टर इन इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू गिव होल वन शॉट स्टार्ट

मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी मैं ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में समर्थ हुआ सक्षम हुआ uh, तो ये शुरुआत कैसे हुई कैसे मैंने ये सारी चीजें इनिशिएट की कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ से धीरे धीरे भारत से जाने लगे वो मैं तुमको कहानी बताता हूँ क्योंकि लूज फिशर बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड फील करते थे वैन ही कम टू नो दैट कि गांधी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं He recalled that in 1917. ई तो थी गांधी जी के पास एंड दैट इज फ्राम राजकुमार शुक्ला जो की एक शेयर क्रॉपर था गरीब किसान था और शेयर क्रॉपिंग करता था नील की खेती में एंड्रॉम चंपारण सो पीजेंट का नाम क्या है गरीब पीजेंट का नाम राजकुमार शुक्ला और ये कहाँ से बिलोंग करता है ही बिलोंग्स फ्रॉम चंपारण एंड ही विजिटेड द प्लेस और वो गांधी जी के पास आया ऐसे ही उसे किसी ने बोला होगा कि गांधी जी के पास चले जाओ गांधी जी तुम्हारी मदद कर देंगे सो ही केम टू मी गांधी had gone to Lucknow to attend the annual meeting of Indian National Congress in the year 1916. तो गांधी फिर याद करते हैं और कहते हैं कि जब 1916 का समय था, तो मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था लखनऊ में मतलब मैं लखनऊ गया था मैं वहां पे मीटिंग अटेंड कर रहा था एनुअल मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो हर साल एक आईएनसी मतलब समिट होती थी किसी भी जगह पे पर्टिकुलरली हो सकती थी वहां पे दूर दूर से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे और जो बहुत ही फेमस लोग होते थे वो आते थे और आकर के मिलते थे सम्मेलन टाइप का होता था तो वो याद करते हैं उन्नीस में भी लखनऊ में ही एक ऐसा सम्मेलन चल रहा था शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड हाँ कम फ्रॉम चंपारण वो कहते हैं राजकुमार शुक्ला ने मुझे बताया कि मैं चंपारण से आया हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दी शेयर क्रॉपर्स और मैं चाहता हूं कि आप हमारी हेल्प uh, करें हमारी मदद करें और जो शेयर क्रॉपिंग हो रही है उसमें जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको सेव करें बिकॉज जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और uh, कोई भी फेयर डिसीजन नहीं लिया जा रहा और साथ ही साथ में हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी किया जा रहा है गांधी वॉज बिजी सो शुक्ला टिल ही visit चंपारण। अब गांधी जी uh, उसको बोलते हैं कि देखो बेटा मेरे पास तो समय नहीं है और uh, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाता अगर मेरे पास समय होता तो, तो

वो बंदा इतना फॉर्म था इतना, इतना टेनिशियस था कि मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया अब गांधी जी ने कहा कि ठीक है तुम मुझे इतना अप्रोच कर रहे हो तुम इतना ज्यादा मेरे से विलिंग हो ये जानने के लिए कि मैं तुम्हारी मदद और मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चंपरन तो वो गांधी जी से पूछता है इस जगह तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चंपारण चला चलूंगा तो अब ये गांधी जी को ना है गांधी जी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गया तो ये गांधी जी को फॉलो करता हुआ वहां तक गया अब उसका जो फर्म डिसीजन था उसे गांधी जी बहुत इंप्रेस हुए और गांधी जी ने उससे प्रॉमिस कर लिया कि तुम कैलकटा आ जाना मेरे को लेने के लिए एक पर्टिकुलर डेट पे तो शुक्ला जी पहुंच गए वहां पर एंड टेक हिम अलोंग चंपारण और फिर वो उसको लेकर के कहाँ चले गए चंपारण यानी कि जब कैलकटा में राजकुमार शुक्ला तो मतलब मैं, वाला काम करके निकल रहे थे तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे अपने घुटनों के पल पे बैठा हुआ था वो गांधी जी का वेट कर रहा था कि कब गांधी जी आएंगे और कब मैं उन्हें चंपारण लेकर के चलूंगा तो जैसे ही गांधी जी आते हैं ये कहता है चलिए गांधी जी हमारे साथ चंपारण शुक्ला मैं

तो वो कहता है कि एक लॉयर है आप उनसे मिल लीजिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और आप मेरी मदद भी कर पाओगे तो कहते हैं अच्छा कौन है वो तो इनको पता चलता है राजेंद्र प्रसाद है वो अब राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के ठीक है बहुत बड़े लॉयर भी हैं ये तो गांधी जी कहते हैं अच्छा ठीक है चलो चलते हैं तो ये राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर बैठ जाते हैं और उनका इंतजार करते हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद घर पे होते नहीं हैं तो उनके जो बाहर अह सेफगार्ड्स होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर वेट करिए अभी राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं हैं तो गांधी जी गरीब किसानों के साथ वहाँ पर बैठ करके इंतजार करते हैं राजेंद्र प्रसाद का इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन ही रीच्ड मुजफ्फरपुर ऑन 15th अप्रैल 1917 अब गांधी जी कहते हैं कि जो मुझे राजकुमार शुक्ला ने बताया दैट वाज नॉट सफिशिएंट तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि आ, मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले लूँ कि आखिर माजरा क्या है किस वजह से ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी तो मैं को जानना है कि मैं कैसे इसके बारे में पूरी चीज़ें पता कर लूँ तो इस वजह से वो मुजफ्फरपुर चले जाते हैं और वो डेट क्या थी 15 अप्रैल नाइनटीन तो 15 अप्रैल 1917 में गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं पता करने के लिए कि पूरा मसला क्या है तो जब ये मुजफ्फरपुर जाते हैं तो इनको बहुत ही इज्जत मिलती है क्यों क्योंकि प्रोफेसर कृपलानी जिनकी आ, बारे में कहा जाता है कि ही इज द ओल्ड किस ऑफ गांधी जी मतलब जान पहचान के थे ये गांधी जी के तो जेबे कृपलानी जो कि एक प्रोफेसर भी थे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ आते हैं भारी मात्रा में गांधी जी का स्वागत करने के लिए गांधी मॉज साइज टू सी द सपोर्ट फ्रॉम एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम अब गांधी को लगता है मतलब एक इंसान मेरी तरह जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है और गरीब किसानों की मदद करने जा रहा है और लोगों के अंदर तो ये डर होना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा हावी थे और उन्हीं के ही डिसीशन माने जाते थे तो गांधी जी बड़े ही हैरान हो रहे थे कि एक ऐसा इंसान जो भारत को सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिशर्स को नहीं और जो होम रूल जाता है उस जैसे इंसान की इतने सारे लोग कैसे मदद कर सकते हैं इमेंस है वेरी ग्रेट ठीक है तो इतनी भारी तादाद में वो देखते हैं कि लोग मेरे सपोर्ट में तो बड़ा ही शॉक हो जाते हैं मुजफ्फरपुर में ही रह करके वो काफी सारे वकीलों से मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो कि इन शेयर क्रॉपर्स का ऑलरेडी केस संभाल रहे हैं Uh, और एज पर दिफ्टी लैंड होल्डिंग पता चलता है कि ये लोग बहुत बड़े लॉयर्स so? थे वो शेयर क्रॉपर्स का केस लड़ते थे और उनसे बहुत सारा पैसा लेते थे और उसका रिजल्ट था जीरो इट वॉज नेजेबल तो उन्हें पता क्या चलता था <coughs> कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उसके हिसाब से जो पंद्रह परसेंट था पीजेंट का लैंड होल्डिंग वो रिजर्व कर दिया गया था कल्टीवेशन के लिए कि आपका जो पूरा जमीन है उसमें जो पंद्रह परसेंट का हिस्सा है उस पर आपको खेती करनी है और ये जो क्रॉप उगेगी ना ये आपको किसको देनी है ये आपको लैंड को देनी है एज अ रेंट मतलब ये जमीन का पंद्रह परसेंट हिस्सा आप क्या करोगे खेती करोगे और उसकी जितनी भी खेती होगी वो सारी की सारी आप किसको दे दोगे उठा करके लैंड को यानी कि ब्रिटिशर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट था सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेसिव अब गांधी जी ने जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उन्हें समझ में आ रही ये तो बहुत ही प्रताड़ित कर देने वाली चीज है मतलब पंद्रह परसेंट में वो खेती भी करेंगे उसके बाद उन्हें कुछ मिलना भी नहीं है गांधी वॉन्टेड टू तो हेल्प द शेयर क्रॉपर्स अब गांधी को जी को लगा अच्छा मसला यहाँ पर खराब हो रहा है इसलिए शेयर क्रॉपर्स बहुत ही परेशान है और अब वो चाहते थे पूरी तरीके से कि वो शेयर क्रॉपर्स की मदद करे सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इसलिए वो कहाँ जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं

क्यों तो है तो, right? तो है क्या हैं तो गांधी जी को वो बोल देते कि देखो तुम एक बाहर वाले हो और हम लोग बाहर वालों को किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे बिकॉज हमारे कानून के खिलाफ है कि हम किसी बाहर वाले को अपने घर की इन्फॉर्मेशन दें तो गांधी जी कहा चले जाते हैं कमिश्नर के पास चले जाते हैं तिरहुट डिवीजन के राइट right. तो वहां पर गांधी जी को डरा धमका दिया जाता है कहते हैं देखो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा और बहुत सारी उलझी हुई चीजें उनको बोली जाती हैं सो ही गोट अ नोटिस बड़ा सा लंबा चौड़ा उनको नोटिस दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि गांधी जी निकल जाओ यहाँ से इन ऑफ रिटर्निंग रिटर्न करने के बजाय वो कहाँ चले जाते हैं मोतीहारी नाउ मैं आपको बता दूं दिस मोतीहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण

एक बार ना उनको पता चलता है कि एक गरीब किसान को बहुत मारा गया है मारपीट की गई हु माल जिसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है ही स्टॉन्ड बाय द पुलिस अब देखो गांधी जी के साथ अक्सर ऐसे भड़कते हुए मैसेजेस आते थे कि ये जगह छोड़ दो यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और अभी तक कोई नोटिस उनको लीगल नहीं मिला था लेकिन अब उनके पास एक लीगल नोटिस आता है और वो आता है पुलिस के सुपरिंटेंडेंट की तरफ से और वो मैसेज देता है मतलब वो गांधी जी को रास्ते में ही रोक लेता है और गांधी जी को रास्ते में रोक करके एक नोटिस पकड़ाता है और कहता है कहता से निकल जाइए नहीं तो आप फंस सकते हैं गांधी रिसीव द नोटिस तो रिसीव कर लेते हैं लेकिन वो साफ साफ उसमें मना कर देते हैं देखो जो भी इस नोटिस में लिखा हुआ है उसको मैं मानने वाला नहीं हूँ मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया नोटिस वो नीचे अपनी साइन भी करते हैं और कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू ओबे दिस

कोर्ट में खड़े हुए हैं और इनकी सुनवाई करी जा रही है और उस समय बहुत सारे लोग आते हैं गांधी जी को एडवाइस करने के लिए और दे ऑल स्ट्रगल्स एंड इवन कंसेंटेड टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीजेंट अब यहाँ पर गांधी जी के पास बहुत सारे लॉयर्स तो आते हैं तो लॉयर्स से वो बात करते हैं मतलब भारी तादाद में लॉयर्स इकट्ठे हो जाते हैं सब उनकी मदद में खड़े होते हैं तो uh, ये बात करते हैं लॉयर्स से कहते हैं देखो uh, अगर मैं जेल चला गया तो अभी तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तुम लोग मेरी मदद के लिए हो तुम मुझे सलाह देने के लिए हो लेकिन अगर मैं जेल चला गया तो तो ये लोग गांधी जी से बोलते हैं तो फिर हम भी चले जाएंगे अगर आप जेल में होंगे तो फिर मेरा यहाँ पे रहने का क्या फायदा है? तो गांधी जी कहते हैं कि जो लड़ाई शुरू हुई है वो तो खत्म होगी ही नहीं गरीब किसानों का क्या होगा तो जो लॉयर्स होते हैं उनके दिमाग में गांधी जी कहीं ना कहीं ये डाल देते हैं कि तुम्हारे यहाँ के गरीब किसान है हमारे नहीं है हम एक आउटसाइडर होकर के उन लोगों के लिए लड़ रहे थे और हम यहाँ जेल पहुंचने वाले हैं तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये सब मिल करके बात कर रहे होते हैं कि गांधी जी जो कि एक आउटसाइडर हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है गरीब किसानों से वो गरीब किसानों की मदद कर रहे हैं कितनी शर्मसार बात है कि हम लोग मदद नहीं कर रहे गरीब किसानों की तो उनमें से जो मेन हेड होता है लॉयर जो सबसे बड़ा होता है वो एडवाइस करता है कि हमें रुक जाना चाहिए तभी गांधी जी की बातचीत के बाद कंसेंट कर लेते हैं लोग अग्री कर लेते हैं कि गांधी जी को अगर जेल भेजा जाएगा तो फिर हम भी जेल जाएंगे क्योंकि गांधी जी सच का साथ दे रहे हैं और हम लोग भी सच को सपोर्ट करेंगे तो ऑन द डे ऑफ ट्रायल जिस दिन गांधी जी की सुनवाई होती है भारी तादाद में एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है सुन वो कोर्ट के बाहर मतलब सारे गरीब किसान आए होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे लॉयर्स होते हैं एवरीबडी वॉज देबल टू हैंडल और वो एकदम में कन्वर्ट हो गया मतलब सबको गुस्सा है कि गांधी जी को जेल क्यों भेजा जा रहा है गांधी हेल्प द ऑफिसर टू कंट्रोल द क्राउड अब सब गुस्सा है और इतने ज्यादा गुस्से में है सब कि उनको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है तो गांधी जी से बोला जाता है कि देखिए ये भीड़ को कंट्रोल करिए आप तो गांधी जी कहते हैं ठीक है मैं भीड़ को कंट्रोल कर लूंगा ठीक है गांधी गेव है स्टेटमेंट दैट ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर बट ही सो दैट ही कुड हेल्प अब गांधी जी कहते हैं देखो मैं क्राउड को कंट्रोल कर लूंगा और गांधी जी क्राउड को कंट्रोल भी कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं देखो मैं यहाँ पर कोई नियम या कानून तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं किसी तरह का कोई लॉ ब्रेक करता हूं तो वो गलत चीज होगी लेकिन अभी मेरे पास दो राह दो राहें मैं कंफ्यूज हूँ मैं दो जगह पर खड़ा हुआ हूं अगर मैं लॉ को तोड़ता हूँ तो वो भी मेरे लिए गलत है क्योंकि मैं एज ए नागरिक गलत कर रहा हूं अगर मैं यहाँ के गरीब किसानों की मदद नहीं करता हूं तो मैं भारत के साथ अन्याय कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पीजेंट्स का पलना ज्यादा भारी है इस वजह से मैं पीजेंट्स को सपोर्ट करना चाहूंगा तो मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता लेकिन मुझे गरीब किसानों की मदद करनी पड़ रही है क्योंकि वो ज्यादा नेसेसरी है उनके साथ गलत हो रहा है तो गांधी जी यहाँ पर बेसिकली एक अच्छे इंसान बन जाते हैं एक गुड इंसान बन जाते हैं और वो सपोर्ट करते हैं गरीब किसानों का और लॉ को ब्रेक करते हैं ही ग्रांटेड बेल अब उनको ना बेल मिल जाती है एंड लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हेम वॉज ड्रॉप तो पहले टाइम तो उनको बेल मिलती है बेल क्या होती है पैसे ले दे करके थोड़ी देर के लिए आपको पुलिस वाले छोड़ देते हैं कि आप घूम सकते हो कहीं भी जा सकते हो यू आर फ्री यू आर नॉट अंडर कस्टडी तो पहले गांधी जी को बेल भी मिलती है फिर इनके काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं फिर जो भीड़ है वो इनके साथ है, तो अब इन लोगों को लगा कि गांधी जी से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गांधी जी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं इस वजह से केस खत्म कर दिया जाता है गांधी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स मिस यूज अब गांधी जी क्या करते हैं यहाँ पे वो रुकते नहीं है कि हमको जेल से रिहाई मिल गई तो हम अपना आँख खत्म कर देंगे वो सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं वो खूब सारी रिसर्च में लग जाते हैं अब बहुत सारी फाइल्स वाइल्स निकाली जाती हैं ये गांधी जी का दबदबा था उस टाइम पे मतलब उनको लोग इतना वैल्यू करते थे कि उनकी बातों को सुनते थे तो हर तरह की पॉसिबल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है किस तरीके से गरीब किसानों का मिस किया जा रहा है वो सब देखा जाता है और सारे जितने भी फ्लॉज होते हैं जितने भी फॉल्सुड्स होते हैं जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं वो ब्रिटिशर्स के बारे में याद करी जाती है

जबरदस्ती के विक्टिम्स हैं मतलब जबरदस्ती उनको प्रताड़ित किया जा रहा है परेशान किया जा रहा है उनको टू टू पे बैक और फिर इनको पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने गल, गलत किया है और इस वजह से उन्हें हर जाना भुगतना पड़ेगा गरीब किसानों का पैसा वापस करो अब तुम गरीब किसानों से पैसा लोगे नहीं बल्कि उन्हें वापस करोगे एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल दे टू पे ओनली ऑफ द तो ना गांधी जी मतलब ऐसा ब्रिटिशर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गांधी फुल रिपेमेंट की बात करेंगे बट गांधी 50 परसेंट की बात करते हैं तो अब ये दिमाग तो चलाते ही थे ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम 50 परसेंट तो नहीं दे पाएंगे हम 25 परसेंट दे देंगे तो गांधी जी कहते हैं ठीक है मुझे ये मसला बढ़ाना भी नहीं है पैसा इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न बस आप गरीब किसानों को प्रताड़ित मत करो तो गांधी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ इंडिको कॉन्ट्रैक्ट उनका जो मेन मसला था वो सॉल्व हो गया वो जबरदस्ती तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए कि आप गांधी जी यहाँ पर रुक गया कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल हो गया अब मैं चल देता हूँ उनको लगा कि नहीं अभी भी यहाँ पर देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि गलत है मुझे उनको सही करना चाहिए तो उन्होंने वहां पर रह करके नोटिस किया कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं अवेयर नहीं है कब तक एक गांधी जी जैसा बंदा आकर के आवाज उठाता रहेगा बोलता रहेगा इनको खुद की आवाज बनना पड़ेगा तो गांधी जी वहां पर रह करके छह स्कूल इन्होंने खुलवाए उसके बाद ये बताया जा रहा है चंपारण के गांवों में इन्होंने छह स्कूल खुलवाए थे एंड वॉलेंटियर्स लाइक महादेव देसाई नरहरी पारेख एंड हिज देवदास टॉट देम और वहां पे पढ़ाई लिखाई करवाई जाती थी जिसमें महादेव देसाई नरहारी पारेख और उनके बेटे और देवदास ऐसे लोग वहां पे पढ़ाते थे कस्तूरबा बाई भी इवन वहाँ की जो ऑर्डरते थी उनको नॉलेज दिया करती थी पर्सनल हाइजीन की कैसे आप साफ सुरक्षित अपने आप को रख सकते हो बाद में विद हेल्प ऑफ अ वॉलंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू नेटिव्स ऑफ चंपारण देयर मेकिंग लाइफ अ बिट बेटर और यही नहीं इन लोगों को हॉस्पिटैलिटी भी प्रोवाइड कराई गई मतलब बीमारी या से बचने की चीजें तो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाई और कई सारे तो डॉक्टर्स ऐसे थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलेंटियर का मतलब ही होता है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना तो जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे ना दे वर द फ्री वर्कर्स फ्री में काम कर रहे थे ये गरीब किसानों के लिए अ पीस मेकर एंड्रयूज वॉन्टेड टू वॉल्टियर एट चंपारण आश्रम अब यहाँ पर एंड्रियूज जो था ना वो एक अंग्रेज था लेकिन वो गांधी जी से इतना इम्प्रेस था वो कहता है गांधी इतने महान व्यक्ति थे और वो कहता है मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मैन तो वो कहता है गांधी जी मैं भी आपको आश्रम में फॉलो करना चाहता हूँ मैं भी आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ और मैं आपके चंपारण एक्ट में आपको सपोर्ट करूंगा लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं कहते हैं नहीं तुम एक ब्रिटिशर हो और तुम्हारी यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो एक लेसन सीखें कि कैसे वो आत्मनिर्भर रह सकते हैं ब्रिटिशर्स को सपोर्ट में लेकर के लड़ना इज नॉट अ गुड डील उनको ये लगता था कि वो अपने लीडर खुद बने जैसे अभी मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत चल रहा है ना वैसे ही गांधी जी भी चाहते थे कि आत्मनिर्भर बने हमारा भारत तो सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स ताकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे तो बेसिकली गांधी जी यहाँ पर हमारे इंडियंस को ये समझा देते हैं कि हाउ मच इट इज नेसेसरी टू बी इंडिपेंडेंट गांधी टोल्ड द राइटर दैट इट वॉज चैंपर इंसिडेंट दैट मेड हेम थिंक दैट ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्सवाइस ही वॉज हिज ओन कंट्री अब गांधी जी यहाँ पर राइटर को बताते हैं को बताते हैं कि चंपारण इंसिडेंट मेड हिम थिंक मतलब चंपारण की वजह से मैं ये सोच पाया कि ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस उन्हें ब्रिटिशर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं है वेल ही वॉज इन हिज ओन कंट्री मतलब यहाँ पर वो एक लेसन सीखते हैं कि ये देश हमारा है ये जन्मभूमि हमारी है तो कोई बाहर वाला आकर के हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है हमारा कुछ भी नहीं ले सकता दिस इज आर इंडिया नॉट देयर्स सो दे केन नॉट रूल देअर वी आर द ओनली वन जिसको यहां पर रूल करना है